नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस वाई नीरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है टीजीटी कला या फिर पीजीटी कला निकालने के लिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लगभग 4-5 होते हैं, एक आध नहीं, 4-5 क्वेश्चंस सीधे यहीं से पूछे जाते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि चित्रकला के तत्व में आप जानते हैं 6 तत्व पाए जाते हैं, रूप, पोत, रंग, अंतराल, तान, रेखा। तो कुल मिला के 6 तत्व बताए जाते हैं। इन 6 तत्वों को अलग अलग विस्तार से पढ़ना है और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे भी, जैसे रेखा क्या है, रूप क्या है, पोत क्या है, तान क्या है, रंग क्या है, अंतराल क्या है, इनसे प्रभाव क्या है, कैसे कलाकार इन्हें प्रयोग करते हैं, तो इन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं। कला मानव के भावों का दृश्यमान रूप है। इसके प्रस्तुतिकरण के लिए मानव किन्हीं निश्चित मानदंडों व तत्वों का सहारा लेता है जिसके माध्यम से वो अपनी कलात्मक प्रस्तुतियों को प्रभावपूर्ण बना पाता है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में कला को जो नियम और तत्व बताए गए हैं उसमें हम षडांग के नाम से जानते हैं। किस काल में? प्राचीन भारतीय काल में षडांग कहा जाता था। यूरोप में यूनानी शास्त्रीय कला नियमों को हम लोग कैनन के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि आधुनिक कला में कोई विशेष स्थान नहीं था। इस प्राचीन शास्त्रीय तत्वों के साथ साथ आधुनिक कला की आवश्यकताओं के अनुरूप ही आज आधुनिक कला तत्वों की भी आवश्यकताएँ पड़ने लगी हैं, क्योंकि इन्हीं कला तत्वों के माध्यम से हम कला का पूर्ण आनंद उठा पाते हैं। और ये तत्व हैं कौन कौन से? तो रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल। कुल मिलाकर के यही 6 तत्व हैं, आपको 6 याद रखने होंगे। रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल मूल रूप से 6 तत्व हैं। किसके? चित्रकला के। चित्रकला के कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बार बार पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे पहला पॉइंट आया रेखा। रेखा क्या है बेटा? अगर इंग्लिश में आप देखना चाहें, लिखा हुआ है, लाइन पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। रेखा संभवतया कला तत्व में सबसे प्राचीन तत्व है जो रूप में विशेषता को समझती है और मूल रूप से सरलता से समझाती है। कला सृजन में रेखा जो है अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। सामान्यतया किसी चित्रतल पर कोई चित्र अंकित करना अंकन कहलाता है और एक वर्णीय रेखा द्वारा किया गया अंकन रेखांकन कहलाता है। एक ही वर्णीय रेखा द्वारा चित्र को बनाया जाता है तो उसे रेखांकन कहा जाता है। प्राचीन भारतीय शास्त्रीय कला पूर्णतया रेखा प्रधान कही जा सकती है। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित किया गया मुख्यतया हमें रेखांकनों के रूप से ही प्राप्त होता है। अतः रेखांकन को हम चित्रकार के भाव की प्राचीन आविष्कार और कलाकार की अभिव्यक्ति का मूल आधार भी मान सकते हैं। प्रकृति में हमें रेखा कहीं भी दृष्टिगत नहीं होती। वर्ण कलाकार ने अपने सुविधा के लिए ही रेखा का आविष्कृत किया है। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति में हमें रेखा नहीं दिखाई देती है, कलाकार अपनी सुविधा के अनुरूप काम कर लेते हैं। रेखा की परिभाषा बहुत टाइप की होती है। जैसे रेखा दो बिंदुओं, दो सीमाओं के बीच का विस्तार है। जैसे ये दो बिंदु हैं, आपस में मिला दिया गया, रेखा हो गया, तो उसी का विस्तार, बिंदुओं का विस्तार, बिंदु बढ़ाते 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 आगे ले गए और ये हो गया रेखा। और कोई दो बिंदुओं के जुड़ाव या बिंदुओं के पंक्तिबद्ध समूह से रेखा बनती है। बिल्कुल सही बात है। आधुनिक ज्यामिति में रेखा को सरल रेखा ही का ही अर्थ जो है लिया जाता है, इसी में ग्रहण किया जाता है। परंतु कला के संदर्भ में अनेक प्रकार की रेखाएं अपना अस्तित्व रखती हैं। जहाँ रेखा ने खींचे जाने पर उनके मध्य रेखीय प्रभाव भी आ जाता है, ऐसी रेखाएं जो है अनुभूत रेखाएं कहलाती हैं, फेल्ट लाइंस कहलाती हैं। रेखाओं का वर्गीकरण अगर हम लोग करें तो अंकन के आधार पर, दर्शाने के आधार पर हम लोग दो भागों में इसे बांट सकते हैं। दो भाग कौन कौन से बनेंगे बेटा? औपचारिक भाग और अनौपचारिक भाग। ये दोनों भाग कल हमने देखा था। जैसे औपचारिक भाग की अगर बात करते हैं तो औपचारिक भाग में सबसे पहले आता है यही बात कि जो है जिसमें ज्यामितीय रेखाओं का जो है प्रयोग होता है, स्थापत्य की रेखाएं जो यंत्रों के माध्यम से खींची जाती हैं वो औपचारिक रेखाएं कहलाती हैं। जैसे आप इसे बनाएंगे तो पहले आप ज्यामिति का प्रयोग करेंगे, देन ये रेखाएँ खींचेंगे, देन इस टाइप से अपना पूरा आकृति सजाएंगे। तो यहाँ सजाने सहरने का पूरा काम ज्यामिति के रूप में आप कर रहे हैं, इसलिए ज्यामितीय रेखाएँ कहलाती हैं। और ये रेखाएँ अव्यक्तिक होती हैं। इन रेखाओं का उद्देश्य उपयोगी जो है रूपांकनों का निर्माण करना होता है। ऐसा प्रयोग औपचारिक रेखाओं में किया जाता है। दूसरा है अनौपचारिक रेखाएं। इसका प्रयोग खूब कलाकार करते हैं। जैसे अनौपचारिक रेखाएं जो हैं हाथ से खींची गई रेखाएं अथवा लिपि होती हैं। इससे संबंधित अनौपचारिक या वैयक्तिक या फिर विविधता लिए हुए होती हैं। ऐसा माना जाता है अनौपचारिक रेखा का मान जो है या फिर उसका उपमान जो है ये वैयक्तिक भी है और विविधता भी, तो विविधता लिए होती हैं। इस प्रकार की रेखाएं कोमल, शक्तिशाली, पुष्ट और गतिपूर्ण, लहरदार,
दृढ़ी, मोढ़ी, बारीक, भोंटी, तीखी आदि प्रकार की हो सकती हैं। लिपि अथवा हाथ से खींची गई ये रेखाएं भावों का प्रतीक भी होती हैं, जो किन्हीं प्रभाव ढंग से जो है प्रभावपूर्ण ढंग से दर्शाई गई हों। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला तस्वीर पूरा बनाया गया तो इसमें कोई जो है ज्यामितीय प्रयोग नहीं किया गया है, यानी औपचारिक रेखाएँ नहीं खींची गई हैं, अनौपचारिक रेखाएँ खींची गई हैं। ये सॉफ्ट रेखाएँ होती हैं, बारीक होती हैं, मोटी भी होती हैं, कई जगह मोटी कई जगह बारीक दिखाई गई हैं। जैसे यहाँ पर मोटा है और यहाँ पर आगे बहुत बारीक दर्शन किया गया, तो इसी टाइप से जो है रेखाएँ इस प्रकार से आप देखेंगे कहीं पे जैसे बारीक रेखाएं हैं और यहाँ पे जो है बहुत मोटी रेखाएं दर्शाई गई हैं। यहाँ पे है ऐसे जो है तालुओं में है तो कुछ जगह मोटी मोटी रेखाएं दर्शाई जाती हैं और कुछ जगह जो है पतली रेखाएं कोमल रेखाएं दर्शाई जाती हैं। तो ये रेखाएं जो हैं ये अनौपचारिक रेखाएं या फिर व्यक्तिक रेखाएं कहलाती हैं। आगे बात करते हैं तो इस प्रकार रेखाएं अपने आप में एक जो है विशेष चारित्रिक विशेषताएँ रखती हैं। पूर्वी देशों की चित्रकला वस्तुतः रेखा प्रधान ही है। रेखांकन की ये विशेषताएं भारतीय जो है शास्त्रीय कलाओं अजंता आदि की चित्रावली में स्पष्टता से देखी जा सकती है। आधुनिक कला के अंतर्गत भी इसे बहुत प्रयोग किया जाता है। हुसैन आदि कलाकारों M.F. हुसैन के कलाकारों में जो है रेखा प्रधानता का स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कैसी अनौपचारिक रेखाएँ वहाँ खूब दिखाई देती हैं। रेखा एवं दिशा का संबंध अगर बात करते हैं बेटा तो रेखा और दिशा में संबंध कैसा है? प्रत्येक रेखा किसी दिशा की ओर जो है इंगित करती है, अतः दिशा निर्देशन रेखा का एक आवश्यक अंग है। और विभिन्न प्रकार की रेखाएं विभिन्न देशों की ओर इंगित करती हैं, जैसे लंबवत क्षैतिज कोणित रेखाएं। तो ये लंबवत हो गया, कौन आधार है, कौन कोणित है, कौन सा कैसी रेखाएं, सब आप देख सकते हैं। रेखा का प्रभाव अगर बात करते हैं बेटा कैसे प्रभाव दर्शाती हैं तो विभिन्न दिशाओं की ओर जाती हुई इन रेखाओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं जिनका संबंध हमारी भावनाओं और संवेदनाओं से होता है। और चित्र रचना करते समय कलाकार इन प्रभावों का लाभ उठा सकता है। ये रेखाएँ अग्र प्रकार की होती हैं। जैसे आप देखते होंगे कुछ जगह सीधी या खड़ी रेखा होती है जिसे हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं। सीधी खड़ी रेखाएं ऊंचाई और ऊर्ध्वान की प्रतीक होती हैं, जैसे पेड़ सीधा खड़ा होता है, व्यक्ति खड़ा होता है आदि। साथ ही स्थापत्य की रेखाएं जैसे विशेष रूप से मंदिर आदि का पूजा स्थल जो है रेखाएं जो हमारे मन की उच्चता, महत्वाकांक्षा, दृढ़ता, गौरव, अभिजात्य, स्थिरता और शाश्वतता का अनुभूत कराती हैं, अनुभूत जगाती हैं, मूल रूप से वही हैं ऐसी रेखाएं। तो ज्यामिति का अस्तित्व इन्हीं रेखाओं पर जो है निर्मित होता है। आप जानते होंगे ज्यामिति का अस्तित्व कहाँ पर है तो ये ऊर्ध्वाधर रेखाओं पर ही निर्मित है, जो औपचारिक रेखाएँ होती हैं। आप जानते हैं औपचारिक रेखाओं में ज्यामिति का प्रयोग खूब अच्छे से किया जाता है। तो इसमें भी मूल रूप से खूब सीधी रेखा या फिर जिसे हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं, ज्यामिति का अस्तित्व इन्हीं रेखाओं पे निर्भर है। साथ ही रेखाएं जो है तीखी, अटूट और प्रत्यक्ष रूप से दर्शाई जाती हैं, ये समझौतावादी नहीं होती हैं। इसमें कोई समझौता नहीं होता, अगर सीधा है तो सीधा है, उसमें ऐसा नहीं है कि ऐसे चल जाए, ठीक है, तो ये होता है। आगे बात करते हैं सीधे अथवा पड़ी अथवा क्षैतिज रेखा। बेटा ये है सीधी रेखा या फिर क्षैतिज रेखा, तो इसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। यह रेखा क्षैतिज या फिर समानांतर या फिर सीधी पड़ी रेखा होती है जो लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती है। ये लंबवत रेखा है, इसको आधार आधार यानी बेस प्रदान करती है, वही है सीधी पड़ी रेखा या फिर क्षैतिज रेखा। मनुष्य विश्राम अथवा सुप्तावस्था में क्षैतिज स्थिति में ही होता है, अतः ये रेखाएं मानसिक शांति, विश्राम, निष्कासन, संतुलन, स्थिरता, मौन आदि भावों के द्योतक होती हैं। ये रेखाएं स्थापत्य का आधार भी हैं जिनके माध्यम से कलाकार क्षितिज की दूरी, आकाश की अनन्यता, समुद्र का विस्तार आदि सरलतापूर्वक दर्शा सकता है। ये रेखाएं ज्यामिति का आधार भी होती हैं, ज्यामिति आधार ये भी हैं। याद रखना है सीधी पड़ी रेखा या फिर क्षैतिज रेखा भी ज्यामिति का आधार है, लंबवत रेखा भी ज्यामिति का आधार है। चित्र संयोजन में खड़ी और जो है अड़ी रेखाओं का समन्वय मूल रूप से प्रत्येक आकृति में होता है और हर एक जगह जो है इसका निर्माण संभव है। जैसे आप देखेंगे ये हो गई इसकी कैसी रेखा, तो ये हो गई इसकी क्षैतिज रेखा। इस पे जो है आपने ये वाला फिगर ड्रा किया तो इस वाले फिगर को ड्रा करने के लिए आपने ज्यामिति का प्रयोग किया है। जैसे कलाकार प्रयोग करेगा तो इसमें क्षैतिज और मूल रूप से लंबवत दोनों रेखाओं का प्रयोग वो कर रहा है। अगला टाइप आता है तिरछी अथवा कर्णवत रेखा। ये है बड़ा तिरछी अथवा कर्णवत रेखा। मूल रूप से कहें तो ये रेखाएं अंतराल और तिरछी आड़ी खींची जाती हैं, अतः कर्णवत रेखाएं कहलाती हैं। सर्वाधिक क्रियाशीलता की स्थिति में मानव जो है शरीर का कर्णवत प्रदान करता है। जैसे मानव झुकता है तो वो कर्णवत ही दिखाई देता है, हाथ ऊपर उठाए तो तिरछा हो जाएगा, वही कर्णवत है। सर्वाधिक क्रियाशीलता की स्थिति में मानव अपनी कर्णवत गति को प्रदान करता है। बार बार दौड़ने की स्थिति में, नृत्य, खेल कूद आदि समय में हाथ पैर घुटनों आदि की स्थिति में कर्णवत्ता प्रदान की जाती है, तथा ऐसी रेखाएँ जो है गति, उत्तेजना, बेचैनी, व्याकुलता आदि को जो है दर्शाती हैं। नाटकीयता आदि भाव का संचार भी करती रहती हैं। कर्णवत रेखाएं अपने आप में असुरक्षित महसूस करती हैं, अतः इनसे सदैव किसी आधार की अपेक्षा रहती है जो दूसरी दिशा से आ रहा होता है। इससे जो है मूल रूप से असुरक्षित महसूस
करते हैं। कोणीय रेखा की अगर बात करते हैं तो चौथा टाइप है कोणीय रेखा। जो रेखाएं शीघ्रता से दिशा को परिवर्तित कर जाती हैं वह कोणीय रेखाएं होती हैं। ये सब कोणीय रेखाएं, बीच में कोण बन रहा है ना, कोई भी कोण बने, कोई फिक्स जो है डायरेक्शन की बात नहीं होती। तो इनकी गति में असमानता होती है। ये रेखाएं असुरक्षित, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष, क्षणिकता व आघात की द्योतक होती हैं। आकाश में चमकने वाले बिजली की क्षणिकत, हृदय गति व श्वास के उतार चढ़ाव को ऐसी रेखाओं के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो कोणीय रेखाओं के कैसे दर्शाए जाते हैं, तो आप जानते होंगे बिजली चमकती है तो उसको मूल रूप से कोणीय रेखा के द्वारा ही दर्शाया जाता है। आगे बात करते हैं, कोणीय रेखा के बाद आता है एक पुंजीय रेखा। बेटा एक पुंजीय रेखा क्या होती है, एक पुंजीय रेखा की अगर बात करते हैं तो ये रेखाएँ शोभा हो गया, प्रसार हो गया, स्वच्छंदता हो गया, लिप्तता हो गया, अभिलाषा हो गया आदि भावों की द्योतक हैं। तो ये आपको याद रखना हो, एक पुंजीय रेखा कैसी होती है, प्रसार, स्वच्छंदता, लिप्तता, परिभाषा, सॉरी अभिलाषा आदि के भावों की द्योतक होती हैं। प्रकृति की सुंदरता, उनकी स्वतंत्रता, उनके विस्तार, फलों फूलों से लदे वृक्षों की सुंदरता को इसी प्रकार की रेखाओं के द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे गुलदस्ते में सजे फूल आप देखेंगे तो मूल रूप से एक पुंजीय रेखा, पुंज मतलब होता है प्रकाश, तो एक जगह आ जाए उसके बाद उसे प्रकाशित कर दिया जाए, ऐसा जैसे एक पॉइंट है इससे पुंजों का प्रकाश हो रहा है, आगे पीछे निकल रहे हैं, तो ये है पुंजी। तो एक पुंजीय रेखा यहाँ पर इकट्ठित हो जाती है। इस प्रकार की रेखाएँ एक पुंजीय रेखाएँ, यानी एक पॉइंट से होकर के सभी रेखाएँ गुजरें, ये हो गया एक पुंजीय रेखा। ठीक है, आगे बात करते हैं तो चक्राकार रेखाएं कैसी होती हैं। चक्राकार रेखाओं की अगर बात करते हैं तो वृत्ताकार एवं कुंडलित सर्पाकार रेखाएं चक्राकार रेखाओं के अंतर्गत आती हैं, जैसे इस टाइप से, तो ये चक्राकार रेखाएं हो जाती हैं। ये रेखाएं जो है गति, उत्तेजना, वृद्धि, गति, उत्तेजना, वृद्धि, शक्ति, निरंतरता और पूर्णता के आदि भावों को जो है द्योतक करती हैं, उसको जो है प्रदर्शित करती हैं। परंतु इसमें जो है एकर सत्ता होने की अरुचिकर प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें विविधता की कमी होती है। तो बड़ा चक्राकार रेखाएं किसकी प्रतीक होती हैं, तो वृद्धि की, निरंतरता की, पूर्णता की, शक्ति की, उत्तेजना की प्रतीक मानी जाती हैं। आगे बात करते हैं तो प्रवाही रेखाएं कैसी होती हैं। बेटा प्रवाही रेखाएं जो है लयात्मक या प्रवाह युक्त रेखाएं, जैसे नदी का प्रवाह युक्त व लयात्मक रेखाएं इसके अंतर्गत आते हैं। अतः ये रेखाएं गति, माधुर्य, लावण्य आदि भावों को दर्शाती हैं। तो गति को कौन दर्शाता है, प्रवाही रेखा दर्शाता है। प्रवाही रेखा किसको दर्शाता है, गति को दर्शाता है। प्रवाही रेखा किसको दर्शाता है, गति को दर्शाता है। जबकि चक्राकार रेखा किसको दर्शाती है, निरंतरता को दर्शाती है, शक्ति को दर्शाती है, वृद्धि को दर्शाती है। ठीक है, तो गति, माधुर्य, लावण्य आदि भावों को दर्शाती है मूल रूप से प्रवाहमयी रेखाएं। दिशा में कार्मिक परिवर्तन के कारण ऐसी रेखाओं की गति को हम लोग मंद किंतु निरंतर प्रवाहयुक्त बनाया जा सकता है। जैसे नदी को हमने बनाया तो इस टाइप से दर्शा दिया, कहीं इस टाइप से भी हम दर्शा सकते हैं नदी को ही। तो ये सब इनकी निरंतरता को इनको मंद कर सकते हैं और थोड़ा सा घुमा सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। अच्छा, रेखाओं का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइन क्या है। तो रेखाएँ एक निर्माण का कार्य करती हैं बेटा, और आप जानते होंगे निर्माण रेखाओं से ही होता है। रचनाकार कोई भी निर्माण करेगा तो विदाउट रेखा के नहीं कर पाएगा। प्रत्येक चित्र संयोजन में चित्रकार की निपुणता ही रेखा के एक वैशिष्टिक का अधिक उजागर करती हैं, जहां आकार, रंग, टेक्सचर आदि की जो है सुसज्जित होकर रेखाएं कलाकृतियों के निर्माण में सहायक होती हैं। तथा रेखा कला रचना का आधार अविलंब ही माना जाता है, अविलंब ही है। तो रेखा कला रचना का आधार है ऐसा माना जाता है। कला शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को रेखा में रुचि उत्पन्न करते हुए उसके विभिन्न प्रयोगों को कतराना नहीं चाहिए। कलाकार भी अपनी आकारगत अथवा यथार्थ अभिव्यक्ति में तभी सफल होता है जब अंकन में सूक्ष्म और प्रथम सघनता अर्थात रेखा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमताओं को रखता है। रेखा के द्वारा जिस प्रकार के भावों को स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है उसी प्रकार वस्तु निरपेक्ष कला की व्यंजना भी होती है। कला रचना में रेखा की इस विशिष्टता के कारण उसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। व्यावसायिक कला में भी रेखा का महत्व स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। तो व्यावसायिक कला में भी रेखाओं का ही महत्व आता है। आगे बात करते हैं रेखा के प्रयोग और जो है रेखांकन कैसे किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो रेखा अपने आप में संपूर्ण होती है, अतः अन्य कलाओं के तत्वों के बिना भी वह अपनी अभिव्यक्ति में संपूर्ण है।
संपूर्ण सृष्टि रेखा के अंतर्गत समा सकती है, यही रेखांकन है। रेखा के आधार पर ही चित्र, लिपि, विभिन्न चित्रात्मक प्रतीक का विकास संभव हो पाता है। तो रेखा के आधार पर ही चित्र बनता है, लिपि बनता है, विभिन्न चित्रात्मक प्रतीक बनते हैं, तो इनका विकास संभव हो पाता है। रेखांकन में प्रयुक्त रेखा रूप के बाह्य स्वरूपों को ही नहीं उनके संपूर्ण आंतरिक बनावट को भी अभिव्यक्त करती है और चित्र भूमि का विभाजन भी करती है। रेखांकन के माध्यम से चित्र में घनत्व, छाया, प्रकाश, दूरी, निकटता आदि प्रभाव के साथ साथ द्वियामी और त्रियामी प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। रेखांकन एक वर्णीय आकार को भी वर्ण के क्रम में रूपांतरण का आभास कराती है, अतः यह रेखाएं रंग के हल्के और गहरेपन का द्योतक हो सकती हैं। आप देखेंगे इस टाइप से रेखाएं दर्शाई गई हैं और इसमें भी दूरी, प्रकाश, निकटता, छाया सबको दर्शाया गया। ये रेखाएँ हैं, कहीं जो है प्रकाश का प्रभाव दिखाई देता है, कहीं जो है ऐसा दर्शाया गया है, कहीं जो है निपुणता दर्शाया गया है, कहीं जो उसका छाया दर्शाया गया है। तो ये सब जो है रेखा के उपयोग हो जाते हैं, ऐसा रेखांकन हो जाता है। रेखांकन के प्रकार क्या क्या होते हैं बेटा? तो आइए रेखांकन के हम लोग 8 प्रकार को भी एक साथ देखने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्र रेखांकन कैसा होता है? वस्तु को देखने के पश्चात मस्तिष्क पे पड़ने वाले प्रभाव को उत्पन्न रेखांकन को जो कलाकार दूसरे से भिन्न होता है उसे हम लोग स्वतंत्र रेखांकन के रूप में जानते हैं। स्मृति रेखांकन क्या होता है बेटा? पूर्व में किए गए रूपों का यथावत चित्रण जो स्मृति की सहायता करे उसे हम लोग मूल रूप से स्मृति रेखांकन कहते हैं। प्रतिरूपात्मक रेखांकन क्या होता है? तो जैसे देखना वैसे ही बनाने का प्रयत्न करना मूल रूप से प्रतिरूपात्मक होता है। इसमें रेखाओं की सहायता से छाया, प्रकाश और दूरी, निकटता का जो है प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। किसमें? प्रतीकात्मक रेखांकन में मूल रूप से हम लोग छाया, प्रकाश और दूरी को निकट और पास भी दर्शा सकते हैं। यांत्रिक रेखांकन की बात करते हैं। पूछा गया है यंत्रों की सहायता से खींची गई रेखाएं जिनका कोई कलात्मक प्रभाव नहीं होता है, रूप निर्माण ही इनका लक्ष्य होता है, वो मूल रूप से यांत्रिक रेखांकन कहलाती हैं। और सीमांत रेखांकन क्या होता है बेटा? तो ये होता है छाया और प्रकाश के प्रभाव से उत्पन्न भ्रमक रेखाएँ जो वस्तुतः प्रकाश प्रदान नहीं कर पाती हैं, फिर वस्तुतः प्रकृति प्रदान नहीं कर पाती हैं, वो सीमांत रेखाएँ कहलाती हैं। इनका केवल आकार का बोध होता है, जैसे सेब बना लो, जैसे आप गाजर बना लो, जैसे आप जो है कुछ भी और आकृति बना लो, ये सब जो है सीमांत रेखाओं के अंतर्गत आ जाती है। छठवां होता है सांकेतिक रेखांकन। सांकेतिक रेखांकन यह होता है बेटा चित्र भूमि आदि अंतरालों पर वस्तु के अध्ययन को जानते हैं, जिसे सक्रिय और सहायता के अंतराल को ज्ञान हो सकता है, ये सांकेतिक रेखांकन की बात करते हैं। संकेत के द्वारा कुछ कह दिया जाए, ऐसा संकेत के द्वारा कुछ रेखाओं के आधार पर कोई चित्र बना दिया जाए, वो होता है सांकेतिक रेखांकन। सातवां टाइप का है जो है वो है प्रकृति रेखांकन। प्रकृति रेखांकन क्या होता है बेटा? कहा जाता है प्रकृति के अवयवों और उनकी विशेषताओं को अंकन जो रूप से प्रकृति रेखांकन कहलाता है। फूलों और पत्तियों आदि को सुखाकर एक काटकर पीस कर किए गए रेखांकन मूल रूप से प्रकृति रेखांकन कहलाते हैं। जो प्रकृति में ही उपलब्ध हो उसका रेखांकन प्रकृति रेखांकन कहलाता है। वस्तु रेखांकन क्या होता है? वस्तुओं के समूह का संयोजन कर उसका रेखांकन और परिक्षेप का अध्ययन करना मूल रूप से वस्तु रेखांकन कहलाता है। तो इस टाइप से रेखा के बहुत सारे प्रयोग आपने देख लिए हैं। रेखा के प्रकार कितने होते हैं? 8 होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। और मूल रूप से हम लोग रेखा को कितने भागों में बांटते हैं? तो 2 भागों में हमने रेखा को स्टार्टिंग में बांटा था। किसके आधार पर? अंकन के आधार पर 2 प्रकार से हमने रेखाओं को बांटा था, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो इतना डाटा आपको यहाँ से याद रखना होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा बेटा? तो रेखा के बाद आता है रूप। रूप क्या होता है? आइए रूप को देखते हैं। रूप बेटा, रूप होता है वह क्षेत्र या स्थान जिसका निश्चित आकार और वर्ण होता है, उसे हम लोग रूप कहते हैं। साधारणतया वस्तु की आकृति को ही रूप कहा जाता है। इसका निर्धारण वस्तु के बाह्य रूपों से होता है, जिसे हम रेखा और वर्ण की सहायता से चित्र की अंतर वस्तु की अभिव्यक्ति पर आधारित कर सकते हैं। अंग्रेजी में इसे फॉर्म कहा जाता है, FORM, फर्स्ट ऑर्गेनिक रेवलिएशन ऑफ मैटर। तो इसे फॉर्म को फुल फॉर्म कह दिया गया है। डिफिनेशन ऑफ फॉर्म आप देख सकते हैं। फिलहाल जो है रूप होता क्या है? तो ये आपको याद रखना है कि रूप वह क्षेत्र अथवा स्थान है जिसका निश्चित आकार और वर्ण हो, जिसका निश्चित आकार और वर्ण हो वही है रूप। हाँ, ये देख लेते हैं। अर्थात किसी भी पदार्थ वस्तु का चित्र भूमि पर प्रथम दृष्टया प्रत्यक्षीकरण ही रूप है। यह प्रत्यक्षीकरण 2 प्रकार से होता है, ग्रहण किया जा सकता है, एक स्थूल अथवा जो है चाक्षुष और सूक्ष्म अथवा मानसिक और कल्पना जाने। तो जैसा आप चाहें वैसा आप रूप दर्शा सकते हैं। और आप जानते होंगे रूप की रचना सर्वप्रथम मानस पटल पर ही होती है, तत्पश्चात वह रेखा, रंग आदि तत्वों से संयोजित करके चित्र फलक पर अंकित किया जा सकता है। तो रूप कहाँ बनता है? सबसे पहले मानस पटल पर ही बनता है, याद रखना है। अथवा चाक्षुष का रूप धारण करने से पहले ही वह चित्रकार की रचना प्रक्रिया से जुड़ता जाता है। हमारे चारों ओर अनन्यतया रूपों का जो है
उपस्थिति विद्यमान है। इसमें से कुछ रूपकार हमारी सौंदर्य चेतना से जुड़ना चाहते हैं और हमारी स्मृति में चले जाते हैं। इन्हीं रूपकारों का सहारा लेकर के चित्रकार समय समय पर कला सृजन करता रहता है। इन रूपों का चयन चित्रकार अपनी रुचि और सौंदर्य भावना के अनुरूप ही कर पाता है। इसलिए रूप की रचना में वैयक्तिकता की जो है सदैव से जुड़ी रहती है और रूपकार कला रचना में अंतराल को विभाजित कर चित्रभूमि में समरसत्ता को स्थापित करता है, समाप्त करते हैं और इस प्रकार के सक्रिय और सहायक दोनों रूपों में प्रयुक्त हो जाते हैं। तो रूप को कई भागों में बांटा गया, सक्रिय और सहायक दो भागों में। रूप का वर्गीकरण अगर किया जाए तो बड़ा बहुत टाइप के बांटेंगे, लेकिन दो टाइप आप बनेंगे। कौन कौन से? नियमित और मूल रूप से अनियमित। दो टाइप के रूप, नियमित होगा तो उसे जैसे त्रिभुज चतुर्भुज इस टाइप का जिसका कोई नियम हो, किस नियम से बनाया गया है, और जो है अनियमित होगा तो उसमें आप जानते हैं कुछ भी बना लो, केतली बना लो, पत्ती बना लो, पेड़ बना लो, पौधा बना लो, उसका कोई हाइट वेट ये तो होता नहीं है कि लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, आकार इतना, ठीक है। तो रूपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स क्या होता है बेटा? तो जिन दोनों भाग, जिनके दोनों भाग समान होते हैं, जैसे वृत्ताकार, आयत, त्रिकोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब जो है नियमित में आते हैं। जिनके दोनों भाग समान होते हैं वो नियमित आते हैं। जैसे ये हो गया, दोनों भाग समान है तो ये नियमित में आ गए, और जो है वृत्त हो गया ये भी इसी में आ जाता है। अनियमित की अगर बात करते हैं, जिसका एक भाग दूसरे भाग के समान ना हो, जैसे शंख, केतली आदि अन्य प्रकृति में पाए जाने वाले रूप, ये कलाकार साधारणतः अपनी रुचिकर होते हुए इसे बनाते हैं, ये होता है अनियमित रूप। कुछ विद्वान रूप के अन्य वर्गीकरण भी करते हैं, जैसे ज्यामितीय, आलंकारिक, प्राकृतिक, काल्पनिक। यह भी वर्गीकरण रूप से बाह्य आकृति और बाह्य गुणों पर आधारित है, जबकि पहले वाला वर्गीकरण वैज्ञानिक है तथा कला के क्षेत्र में उसका विशेष महत्व पाया जाता है। तो रूप नियमित और अनियमित ये दो भाग बहुत खास हैं, जबकि बहुत सारे लोग इसे ज्यामितीय, आलंकारिक और विभिन्न टाइप के जो है विभिन्न प्रकार में इसे वर्गीकरण करते हैं। तो रूप के प्रकार और प्रभाव कैसे होते हैं बेटा? रूप कैसे इफेक्ट डाल पाता है? तो रेखा के प्रभाव की ही भांति रूप भी अपने प्रभाव से ही होता है, जो रूप की दृष्टिगत और आकारगत भार के कारण होता है। अतः रचना में विशिष्टता लाने के लिए एक से अधिक रूपांकुरों को समायोजित किया जा सकता है। रूपगत प्रभाव निम्नलिखित प्रकार से समझाए जा सकते हैं। कैसे समझाए जा सकते हैं बेटा? आइए देखते हैं। आयताकार, अगर आयताकार की बात करें तो आयताकार कैसे होगा? एक रूपांकर जिसमें रेखाएं समकोणीय होती हैं, ये रूपांकर प्रायः अस्पष्ट और निश्चित होते हैं, अतः ये रूप दृष्टयता और स्थिरता की शक्ति, एकता आदि भावों का संवाहक होती हैं। एक दूसरे के विपरीत ऊपर नीचे या लगाकर रचना करने से एक रूपांकर गति का प्रभाव भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे आयताकार डाटा था, इसको हमने एक आयताकार ये था, इसके ऊपर एक ये जोड़ा, देन एक ये जोड़ा, देन एक ये जोड़ा, तो इस टाइप से आयताकार रचनाओं को एक साथ हमने जोड़ते आगे बढ़े तो एक नया भाव, एक नया संवहन भी चल गया और साथ में जो है एक नई शक्ति भी मिलती गई। तो ये होता है आयताकार रूपांकन। दूसरा होता है त्रिभुजाकार रूपांकन। आइए देखते हैं त्रिभुजाकार में क्या, जैसे मंदिर आप देखते होंगे उसका गुम्बद ऐसे बनता है, त्रिभुजाकार रूपांकन। ये वे आकार हैं जिनका आधार शीर्ष से अपेक्षा चौड़ा होता है, जैसे पिरामिड का आकार। ये आकार स्थिरता, सुरक्षा जो है सुरक्षा, स्थिरता, सुरक्षा, स्वास्थ्यता का भाव प्रकट कराते हैं। चर्च के शीर्ष के सामने ऊंचे और सकरे त्रिभुजाकार आकार का जो है मान ऊर्ध्वगतीय का संचार भी कराते हैं। जैसे ये चर्च हो गया और चर्च में जो है ये ऊपर वाला भाग ये पिरामिड ये, तो ये आराम से ऐसे ही बना होता है। कोई कोई मंदिर आप देखते होंगे वो भी ऐसे ही बना मिलता है। तो मूल रूप से सकरे होते हैं और ये कैसा पिरामिड का आकार का होता है, तो ये त्रिभुजाकार आकार में रूप दर्शाता है। तीसरा आता है विलोमाकार। बेटा विलोमाकार क्या होता है? तो विलोम त्रिभुजाकार, ये आकार उल्टा त्रिभुज के आकार का होता है और मूल रूप से त्रिभुज के रूपकार के विपरीत स्थिति का प्रदर्शन होता रहता है, और जिस आधार पर अपेक्षा के शीर्ष से टिके होते हैं उसे रूपकार अनिश्चित कर दिया जाता है। ये अशांति, संलिप्तता, शीघ्र परिवर्तन आदि के प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। जैसे कोई स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर के बगल में आप देखते होंगे बड़ा सा पौंड है, उस तालाब में देखते होंगे तो स्वर्ण मंदिर हृदय उल्टा दिखाई देता है। उसका जो शीर्ष वाला पॉइंट है वो सबसे पास में दिखाई देगा और जो धरातल है वो सबसे दूर दिखाई देता है। तो इस टाइप का ये विलोम त्रिभुजाकार होते हैं, उल्टा होते हैं, या शांति के प्रतीक होते हैं, लिप्तता के प्रतीक माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो शीघ्र परिवर्तित हो जाता है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, वक्राकार में क्या होता है? वक्राकार आप देखते होंगे ये भगवान बुद्ध वाला डटा है। ऐसे रूपकारों का झुकाव वक्रता की ओर होता है। वक्रताकार, अंडाकार, बेलनाकार, दीर्घवृत्ताकार, एकेंद्रीयकार आदि रूपांकर इस समूह में सम्मिलित किए जा सकते हैं। रूप
कारलामणि सौंदर्य नियतांतता सृजनात्मकता पूर्णतया गति विशालता समानता आदि प्रभावों के जो है संवाहक हैं, साथ ही इन रूपों में आधारहीन भी दृष्टिगोचर होती है जो किसी भी दिशा में गति की संभावना और अस्थिरता की द्योतक होती है, ऐसा माना जाता है। आगे बात करते हैं तो ये आपका पूरा डाटा है, इसमें आप देख सकते हैं इस टाइप से जो है वक्राकार डाटा चल रहा है, चाहे महात्मा बुद्ध का वाला डाटा हो या फिर किसी का भी हो, पीछे वक्राकार यानी वक्र, वक्र मतलब होता है तिरछा झुकाव वाला, तो ऐसा दृश्य बनाने के लिए मूल रूप से वक्राकार रूप ही बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मुक्त, मुक्त यानी फ्री फॉर्म कैसे होता है, तो मुक्त रूप कैसा होता है, ये होता है मुक्त बेटा, कोई ही आकार जिसका ना हो, ये रूप उपयुक्त जो है रूपकारों से मिश्रित होते हैं, अधिकांशतः प्राकृतिक रूपकार इन्हीं ही देख करके बनाया जाता है क्योंकि इनमें किन्हीं निश्चित सीमा की बाध्यता नहीं की जा सकती, ये मुक्त रूपांकर कहे जाते हैं। मनुष्य के नाक आँख कान पेड़ पौधे की आकृतियाँ आदि इसी प्रकार के रूपांकर में होती हैं, किसी निर्धारित रूप में बंधे न होने के कारण आधुनिक कलाकार इनका प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक करते हैं, अतः ये कला रचना में भी स्वतंत्रता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो कुछ भी बनाना हो बेटा तो ये मुक्त रूप में आप दर्शा सकते हैं, इसमें बहुत सारे पेड़ एक साथ बना सकते हैं, पत्तियाँ का झुंड एक साथ बना सकते हैं, सब फ्री फॉर्म में आते हैं, मुक्त रूप में आते हैं। फिलहाल अब रूप का महत्व क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो रूप का महत्व अगर बात करते हैं बेटा, तो रचना और प्रक्रिया में रूप बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चित्रभूमि में अंकन को प्रारंभ करते ही रूप का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है, इसलिए कह सकते हैं कि कला रूपांकरों की भी भाषा है, अतः विभिन्न रूपांकरों की समवेत परिस्थिति कला रूपी चित्रात्मक भाषा को जन्म देती है। कला की ये परिभाषा विभिन्न कला तत्वों में रूप की महत्वपूर्ण उपस्थिति रेखांकित करती है, वस्तुतः रूप के अभाव से चाक्षुष कलाओं का अस्तित्व ही नहीं है, अतः रूपप्रद कलाकारों का अस्तित्व रूपांकरों की रचना और उनके व्यवस्थित विकास पर ही निर्भर करता है। कलाकारों ने किसी एक रूप में जो है उपस्थिति ही अपेक्षित नहीं है, वरन वह अपने समेवित रूपकारों की उपस्थिति आवश्यक मानता है जो अन्य कला तत्वों में सन्निहित होकर संपूर्ण चित्र भूमि को एक कलाकारात्मक रूप देने का जो है कार्य करता है। अतः किसी भी कलाकृति के मूल्यांकन के लिए यह सर्वाधिक विचारणीय है, अतः कलाकार या कलाकृति के अन्य तत्वों को रूप के संबंध में यहाँ निश्चित किया जाना आवश्यक मान लिया जाता है। तो कहा जाता है कि कलाकृति के किसी एक रूप की उपस्थिति ही अपेक्षित नहीं है, वरन वहाँ समेवित रूपकारों की उपस्थिति भी आवश्यक होती है। तो एक रूप से काम नहीं चलता, उसके साथ और रूप होंगे तब जाके काम बनता है, ये कहा जाता है। यहाँ पे रूप का महत्व ये है। रूप के अंतर्गत प्रमाण और वर्ण क्या है बेटा, तो इसे भी समझ लेते हैं। चित्र के अंतर्गत विभिन्न रूपकारों की रचना में रुचि के भाव उत्पन्न होते हैं और उनकी एक सरता समाप्त होती है, इसलिए चित्रकार विभिन्न शैलियों का प्रयोग और प्रकृतिजन्य यथार्थ रूपों के विपरीत कल्पनाजन्य रूपों की स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। आकृतियों के प्रमाण के अंतर करके भी विविध रूपों से समावेश किया जा सकता है। इस प्रकार छाया प्रकाश के प्रयोग और विभिन्न रंगों में उनकी रंगतों का जो है सम्मिश्रण भी रूप में नियमित और विविधता लाता है। आधुनिक कलाकार विभिन्न पोतों के प्रयोग जो है कुशल प्रयोग से विविधता पैदा करते हैं, तो पोतों के अनुसार भी वो लोग विविधता पैदा कर देते हैं। अतः रूप में विविधता लाना चित्रकारी की योग्यता पर ही निर्भर करता है। आधुनिक सूक्ष्म चित्रण जो पूर्णतया रूप की विविधता पर ही निर्भर करता है, मूल रूप से ऐसा बताया जाता है। तो ये सूक्ष्म चित्रण है, आप देखेंगे इसमें बहुत महीन महीन डाटा यानी बहुत बारीक बारीक डाटा दर्शाए गए हैं, ये मूल रूप से रूप पर ही निर्भर करता है। रूप और अंतराल होते क्या हैं, फॉर्म एंड शेप्स होते क्या है बेटा, इसे भी समझ लेते हैं। चित्र के अंतराल के रूप में स्थापना, चित्र के अंतराल के रूप की स्थापना चित्र के संपूर्ण प्रभाव का मूल होती है, मूल मतलब जड़ होती है। तो चित्र के अंतराल के रूप की स्थापना चित्र के संपूर्ण प्रभाव का मूल होती है, जो कि कलाकार के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य होता है। कलाकार अपने अनुभव तथा चित्र के सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक कलाकार चित्र रचना के प्रारंभ में ही इस समस्या का समाधान खोजता है कि रूप की स्थिति कहीं हो, रूप का अंतराल के महत्व को घटाकर और बढ़ाकर मूल रूप से प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार अंतराल भी रूप के महत्व को घटाकर और बढ़ा सकता है। रूप की स्थिति तथा शेष अंतराल में उसके संबंध में बहुत सारे प्रमुख और बहुत पहला गुण भी चित्रित होता है, इसलिए रूप के आकार में विविधता लाना चित्रकार की योग्यता पर ही निर्भर करता है। इसलिए माध्यम से आकार के प्रभाव में ही अंतर आ जाता है। एक रूप से दूसरी रूप तक की यात्रा
जो है अंतराल के माध्यम से ही हो पाती है, अतः जो चित्रकार कहता है वो भिन्न भिन्न चित्रों में नई नई विधियों से अंतराल को संयोजित करता है और साथ ही रूप की अनेक संभावनाओं का अन्वेषण भी करता रहता है। तो इस टाइप से रेखा हो गया, रूप हो गया। रूप में खास खास जो बात है बेटा, वो त्रिभुजाकार रूप कैसा है, तो ये मूल रूप से अशांति का प्रेरक माना जाता है। और आप जानते होंगे त्रिभुजाकार, विलोम त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार तो आप जानते होंगे त्रिभुजाकार किसका है, भाव का है, भाव का है, सुरक्षा का है, शाश्वतता का है, इसका दर्शाया जाता है, ठीक है। और रूप की परिभाषा तो आप जानते हैं, रूप वह क्षेत्र या स्थान है जिसका निश्चित आकार और वर्ण होता है। तो ये हो गया रूप। रूप के बाद क्या आता है बेटा, रूप के बाद आता है वर्ण। वर्ण को हम लोग समझेंगे, वर्ण से एक से दो प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछा ही जाता है, क्योंकि वर्ण से ही अभी प्रकाश को हम लोग देखेंगे और प्रकाश के गुण को देखेंगे। तो उसे मूल रूप से BIBGYOR में जो यानी बैगनी नील नीला हरा पीला नारंगी लाल को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं, अब बात आती है वर्ण की। वर्ण मतलब होता है कलर। चित्र के तत्व में रंग या वर्ण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। मनुष्य के जीवन में भी रंग की महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ण पूर्णतया प्रकाश की दृष्टि पर निर्भर करता है और एक की भी अनुपस्थिति रंग के ज्ञान में बाधक सिद्ध होती है। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई रंग अवश्य होता है, अतः मूल वस्तुओं की पहचान उनके धरातलीय रंग के कारण ही हो पाती है। और प्रकाश की मात्रा में कम या अधिक होने से एक ही रंग की वस्तुओं का अलग अलग दिखाई पड़ना मूल रूप से ये इसका वर्ण का ही द्योतक माना जाता है। भौतिक शास्त्रीय नियम के अनुसार अगर बात करते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है प्रकाश किरणें जो है पदार्थ पे पकड़ करके समाहित होने के पश्चात पुनः परिवर्तित होकर प्रकाश का वापसी कर देती हैं। जो प्रकाश प्रदर्शन से वापिस आता है उसी में उसका वर्ण अथवा अन्य गुण होते हैं जो दर्शक के अक्ष पटल पर पड़ते हैं और वस्तुएं रंगीन दिखाई देती हैं। अक्ष पटल के पास ही स्थित शलाकाएं व शंकु नाक की सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं। इनके द्वारा हम वस्तु से परावर्तित प्रकाश तरंगों से वस्तुओं में वर्ण का ज्ञान करवा देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण जो है प्रकाश का गुण है, कोई स्थूल वस्तु नहीं है, तो ये प्रकाश का गुण माना जाता है। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि अक्ष पटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला प्रभाव ही वर्ण कहलाता है। हाँ, ये देखते हैं वर्ण की तरंग गति क्या होती है बेटा। तो वर्ण की तरंग गति बहुत खास है, विवजोर यहीं में आएगा। वर्ण बोध की तरंग गति का अपना महत्व है। प्रत्येक वर्ण की तरंग में अपना निश्चित लंबाई होता है। जितनी लंबी लंबाई होगी उतनी ही लंबी उसकी चाल शीघ्र होती है। सूर्य की किरणों में 7 चाक्षुष वर्ण आते हैं, मूल रूप से कौन, BIBGYOR, जिसे हम प्रिज्म की सहायता से देख सकते हैं। विभिन्न अनुमातों में मिला करके सफ़ेद रंग बनते हैं। इस वर्ण में क्रमशः बैगनी, नील, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। ये 7 रंग होते हैं। तो वर्ण की तरंग गति में कितने रंग होते हैं बेटा, 7 रंग होते हैं। कई टाइप के रंगों को मिला करके हम लोग सफ़ेद रंग भी बना लेते हैं। इस प्रकार वर्ण वस्तु का गुण नहीं है, इसका मूल कारण सूर्य की सप्तरंगी प्रकाश है। उदाहरण के लिए जब कोई वस्तु हमें पीले रंग की दिखाई देती है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस वस्तु में प्रकाश के 7 वर्णों में से पीले रंग को परावर्तित करने की विशेषता है। यह पदार्थ की अस्थायी तरंग, यह पदार्थ की अस्थायी तरंग कहलाते हैं। शेष वर्ण को वह जो है वस्तु आत्मसात कर लेती है और मूल रूप से पीले को ही सामने रखती है। इस आधार पर सभी किरणों को जो है समाहित करने वाले पदार्थ काले तथा सभी को परावर्धित करने वाले पदार्थ जो है सफ़ेद कहलाते हैं। तो ये डाटा सभी को समाहित कर ले उसे काला कहा जाता है और सभी को परिवर्तित कर दे, आए यहाँ पड़े और तुरंत निकल जाए, इसे लोग सफ़ेद कहा जाता है। तो ये आपको 2 पॉइंट याद रखने होंगे। आगे बात करते हैं, इस प्रकार रंग प्रकाश तथा वस्तु की स्थिति को दर्शाया गया है और ग्रह स्थिति इस टाइप से दर्शाने का प्रयास किया गया है। और ग्रह स्थिति पर निर्भर क्या करता है, वर्ण का अध्ययन भौतिक विज्ञान, शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ ही एक कलाकार के लिए रंग का रसायन शास्त्र, जिसमें रंग निर्माण में प्रयोग आने वाले स्थूल वर्ण द्रव को भी पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है वर्ण द्रव्य का ज्ञान और मानवीय मस्तिष्क पर रंगों द्वारा पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव और मानसिक स्थितियों की जानकारी बहुत आवश्यक मानी जाती है।
बात करें प्रकाश के रंगों की लंबाई की, तो बहुत सारे लंबाई चौड़ाई दिए हैं, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, बहुत टाइप के हैं, BIB, GYO, UR। तो इसे पढ़ेंगे तो 476 आता है लगभग, वी का वी, वी माने होता है बैगनी, आई से आई का होता है लगभग 400, बी, बी माने होता है नीला, आई माने होता है नील और बी माने होता है नीला, तो 476 होता है। इस टाइप से नहीं पूछा जाएगा बेटा, ये GRF का क्वेश्चन है। फिलहाल अगर हम देखें तो रंग कला की आत्मा है, ये देख लेते हैं क्या है। जिसे फूलों में खुशबू, समकालीन कला रचना में वर्ण को अभिव्यक्ति और महत्वपूर्ण साधन स्वीकार किया गया है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुए प्रभाववादी कला आंदोलन द्वारा रंगों में नवीन दृष्टिकोण की प्रतिस्थापना होती है। वर्ण प्रयोग में नवीनता का समावेश भी होता है और प्रचलित धारणाओं और पूर्वाग्रहों को त्याग कर वर्णों को वैयक्तिक विशिष्टता एवं विभिन्न संभावनाओं के साथ प्रयुक्तर किया जाता है और नवीन शैली को जो है एक प्रमुख तत्व मानने जाना लगता है। इस दृष्टिकोण का समकालीन कला प्रवृत्ति में उच्चोत्तर विकास चला गया है ऐसा माना जाता है। फिलहाल अगर वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण वही है बेटा, चित्र के तत्वों में रंग या वर्ण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जैसा हमारा चक्षु देखता है वही हम लोग प्रिज्म की सहायता से देख लेते हैं। वर्ण के अगर गुण की बात करते हैं तो वर्ण में रंगत, मान और सघनता तीन होते हैं। रंगत, मान, सघनता, आइए देखते हैं वर्ण के गुण। वर्ण के स्वरूप निर्धारित तीन मुख्य आधार हैं जो वर्ण के गुण कहलाते हैं। वर्ण का रंगत होना चाहिए, वर्ण का मान होना चाहिए, वर्ण की सघनता होनी चाहिए। वर्ण के सभी विभिन्न आयाम इन्हीं तीनों माध्यमों से गुजरते हैं। वर्ण की रंगत की अगर बात करते हैं, यह वर्ण का वह गुण है जिसे हम वर्ण विशेष के नाम से जानते हैं, अथवा एक वर्ण को दूसरे से पृथक करते हुए। आप देखते होंगे लालपन, पीलापन इत्यादि, यह रंग हम किसी प्रवृत्ति के रंगत वर्णकम अथवा वर्णचक्र में वर्ण की स्थिति को बताकर ही बता सकते हैं। वर्ण का मान क्या होता है? वर्ण का मान रंगत के गहरेपन और हल्केपन का द्योतक होता है। तो वर्ण का मान गहरेपन और हल्केपन का द्योतक होता है, जबकि रंगत क्या होता है? यह वह गुण है जिसमें हम विशेष करके इसे जानने का प्रयास करते हैं, अर्थात यह वर्ण में प्रकाश और अंधकार की मात्रा का द्योतक होता है। जैसे गहरा लाल और हल्का लाल सफ़ेद रंग के मिश्रण से रंग के मान को बढ़ाया जा सकता है, काले के मिश्रण से यह मान घटाया जा सकता है। मान का बढ़ना आभा कहलाता है तथा मान का घटना छाया कहलाता है, तो आभा छाया। अगर मान बढ़ता है, वर्ण का मान बढ़ता है तो आभा होगा, वर्ण का मान घटता है तो छाया कहलाएगा। इस प्रकार सफ़ेद और काले की मात्रा किसी भी रंग को मिला करके एक रंगत की विभिन्न मान प्राप्त किए जा सकते हैं। रंग चाहे जो कोई भी हो, काला और सफ़ेद अगर अपने पास रखे हैं तो उसके मान को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। घटेगा तो क्या कहेगा? घटेगा तो छाया कहलाएगा, बढ़ेगा तो आभा कहलाएगा। आगे बात करते हैं वर्ण की सघनता। तो बेटा वर्ण की सघनता क्या होती है? वर्ण की सघनता उसकी शुद्धता का द्योतक होती है। जब रंग में काले अथवा सफ़ेद रंग का मिश्रण ना किया जाए, इन दोनों में मिश्रण से रंग की शुद्धता समाप्त हो जाती है। जैसे गुलाबी अथवा कत्थई जो सफ़ेद व काले के मिश्रण से बनता है, अपनी अपेक्षा लाल में अधिक सघनता होता है क्योंकि वह शुद्ध लाल है। इस प्रकार जितना तीव्र और प्रखर रंग होगा उसमें उतनी ही सघनता और शुद्धता होगी। अतः किसी भी वर्ण में तटस्थता अथवा धूमिलता रंग मिलाकर के उसकी सघनता को कम किया जा सकता है, ऐसा माना जाता है। तो ब्लैक और वाइट जैसा आप चाहेंगे वैसा बढ़ता जाएगा। आभा और छाया, आभा क्या होता है? जब बढ़ाया जाएगा, और छाया क्या होता है? घटाया जाएगा। ठीक है, आगे तो आगे हम लोग देखेंगे। कहा जाता है इस प्रकार रंगत रंग का नाम है। रंगत क्या है बेटा? रंग का नाम है मान। रंग का हल्कापन और गहरापन मान कहलाता है, और सघनता क्या है? रंग की शुद्धता और पवित्रता मूल रूप से या तीव्रता मूल रूप से सघनता कहलाती है। वर्ण का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा? तो मनोवैज्ञानिक आधार पर अगर हम लोग इसे देखते हैं तो मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक विज्ञान की दृष्टिगत से वर्ण की विभिन्न शाखाएँ निर्धारित की गई हैं। काल रचना के अंतर्गत होने वाले वर्ण प्रयोगों के आधार पर वर्ण वर्गीकरण को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, इसमें समीपर्थ वर्ण बहुत सारे आते हैं। जैसे प्राथमिक अथवा मुख्य वर्ण की अगर बात करते हैं, प्राइमरी रंग की, बेटा यहाँ से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको सदैव याद रखना होगा प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंग है, लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंग आते हैं, इसे आपको सदैव याद रखना होगा। ये किस में आते हैं? वर्ण में आते हैं। तीन रंग हैं, कौन से? प्राथमिक, लाल, पीला, नीला। ये पदार्थ के रंग होते हैं। मुख्य रंग वे होते हैं जो किसी मिश्रण में नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि इनके मिश्रण से हम अनेक प्रकार के रंगत प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों को मिलाकर देने से जो है धूमिल रंगत प्राप्त होते हैं।
तो प्राथमिक रंग कौन सा है, लाल पीला नीला है। द्वितीयक रंग की बात करते हैं, सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं, तो बेटा द्वितीयक रंग में किन्हीं भी दो प्राथमिक रंगतों के मिश्रण से प्राप्त रंगत जो है द्वितीयक रंगत कहलाते हैं। जैसे पीला प्लस लाल इक्वल टू नारंगी आता है, पीला लाल इक्वल टू नारंगी आता है, पीला प्लस नीला इक्वल टू हरा आता है, और लाल प्लस नीला इक्वल टू बैगनी आता है। तो ये डाटा आपको याद रखना होगा, लाल प्लस नीला बैगनी बनता है, पीला प्लस नीला हरा बनता है, और पीला प्लस लाल नारंगी बनता है। तो दो रंगों को मिलाने से जो है द्वितीयक रंग बनता है, याद रखना है। दो प्राथमिक रंग एक साथ मिलाएंगे तो जो है द्वितीयक रंग बन जाएगा। प्राथमिक रंग में क्या है, लाल पीला और नीला है। आइए, इस प्रकार द्वितीयक रंगों के भी आपस में मिश्रण से अनेक रंगत प्राप्त हो सकते हैं। वर्ण चक्र में इसकी स्थिति दो प्राथमिक रंगों के मध्य ही होती है। समीपवर्ती वर्ण की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है बेटा, एक प्राथमिक एवं एक द्वितीयक रंगों को मिला करके समीपवर्ती वर्ण का निर्माण होता है। इसमें एक ही श्रेणी या जाति के वर्ण विद्यमान होते हैं, जैसे पीला पीला व हरा हरा, सभी में पीले रंग की उपस्थिति है। इसके नाम से ही मिश्रित रंगों को स्पष्ट हो सकता है। इस क्रम में विस्तार देकर असीमीय वर्ण क्रम प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसा माना जाता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे बात आते हैं, पूरक विरोधी वर्ण, एकांकी वर्ण, ऊष्म रंग, तटस्थ रंग, तटस्थ रंग क्वेश्चंस बनता है। आइए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। पूरक या विरोधी वर्ण क्या होते हैं बेटा, तो इसमें कहा जाता है वर्ण क्रम में एक दूसरे के ठीक सामने वाले रंगत को हम लोग दूसरे का विरोधी रंग मानते हैं। जैसे आर वाई बी, तो इसमें हम लोग इसका विरोधी समझेंगे। तो किन्हीं भी दो प्रमुख रंगतों को मिलाया जाए तो इससे प्राप्त द्वितीयक रंगत मूल रूप से शेष बची हुई मुख्य रंगों की विरोधी रंगत होती है, ऐसा माना जाता है। जैसे लाल का विरोधी रंग पूरक कौन सा है, तो लाल का विरोधी या पूरक रंग है हरा। बेटा लाल कहाँ है, ये रेड है, और यहाँ पे ग्रीन कहाँ आता है, तो रेड, रेड के बाद आएगा ग्रीन। तो लाल ब्लू येलो यहाँ पे तीन है, तो हरा इसका ग्रे, ये बीच में है, तो इसलिए ये इसका जो है विरोधी रंग हो गया। ऐसे नारंगी का पूरक रंग क्या है बेटा, नीला और बैंगनी। नारंगी का पूरक रंग है नारंगी, नारंगी का भी वही है, और नीला और बैंगनी का पूरक रंग क्या है, तो पीला है। नीला और पीला जो है, नीला और नीला, नीला और बैंगनी का पूरक रंग जो है पीला। तो इस क्रम में बनने वाले अनेक पूरक रंगों को हम लोग मूल रूप से ऐसे प्राप्त कर सकते हैं बीच बीच में। जैसे रेड है और ऑरेंज है, तो इसके बीच में आर और ओ दोनों बनेंगे। जैसे रेड है और जो है, रेड क्या है, येलो है, येलो है और येलो आता है साथ में, वो आता है, तो वाई वो आता है। ऐसे ही जो है कॉम्बिनेशन बनता है, और इसको एक साथ देखने का प्रयास करते हैं। फिलहाल ये सब जीआरएफ लेवल के क्वेश्चंस हैं। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रंगत पूछे जाते हैं, क्या होता है, तटस्थ रंग कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग आप जानते हैं, तीन हैं, कौन कौन से हैं प्राथमिक रंगों में, आप जानते हैं तीन रंग हैं, लाल पीला नीला, लाल पीला नीला प्राथमिक रंग कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे, एक वर्णीय रंग क्या होते हैं। एक ही रंगत की विभिन्न संगतों की एकांकी वर्णों से श्रेणी में से रख दिया जाता है, जैसे नीला हल्का नीला और गहरा नीला इसके साथ है, तो एक वर्णीय रंग हो गया नीला, हल्का नीला और गहरा नीला। इसके अंतर्गत एक ही रंग के विभिन्न मान और सघनता वाले रंगों का तालमेल रहता है, ऐसे रखा जाता है। तटस्थ रंग की बात करते हैं, मतलब तटस्थ में क्या होता है, साधारणतया इन्हें अलग से रंगतों की श्रेणी में नहीं माना जाता है, वरन इन्हें अन्य रंगों से मिला करके उनके जो है अनेक हल्के और गहरे रंगतें प्राप्त की जाती हैं। वस्तुतः ये तटस्थ रंग सभी रंगों के आधार माने जाते हैं। तो तटस्थ रंग कोई फिक्स रंग नहीं है, ये सभी से मिला करके बना लिया जाता है। उष्ण और शीत वर्ण, जो रंगत तीव्र होते हैं वे जिन्हें अधिक देर तक देखा जा सकता है उष्ण रंग कहलाते हैं। जैसे पीला नारंगी और लाल, इसमें से बनने वाले सभी रंगतें जो रंग नेत्रों को जो है शीतलता प्रदान करते हैं वे रंगत शीत रंग कहलाते हैं। साधारणतः पृष्ठभूमि के लिए इन रंगों का प्रयोग मूल रूप से कहाँ किया जाता है, तो ये रंग कौन से हैं शीत रंग, नीला हरा और बैंगनी मूल रूप से शीतल रंग कहलाते हैं। इससे बनने वाले अन्य रंगतें वर्ण चक्र का ठीक बीच से विभाजन करके इसका वर्गीकरण स्पष्ट कर सकते हैं। शीत रंग कौन से हैं बेटा, नीला हरा और बैंगनी मूल रूप से शीत रंग कहलाते हैं। जहाँ पे आग देखे तो मूल रूप से उसे ठंडक प्रदान हो, वो होते हैं शीत रंग। आगे बात करते हैं, शीत रंग के बाद आता है क्या, तो अब आता है वर्ण प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कलर्स। रंग और हमारी भावनाओं की मना स्थितियों को सीधा संबंध होता है। प्रत्येक चित्रकार एक दूसरे के लिए रंगों का मनोवैज्ञानिक और लाक्षणिक प्रभावों का ज्ञान अति आवश्यक हो जाता है। अतः चित्र में रंग भरते समय उसके प्रतीकात्मक प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है, और इसीलिए इसे उष्ण और शीतलीय रंगों की श्रेणी में विभाजित किया जाता है। उष्ण रंग सूर्य, अग्नि और उष्णता से संबंधित रंगते हैं, अतः इस प्रकार के प्रभाव में किसी भी प्रकार की विपरीत शीतल रंग, आकाश, पानी, हरियाली
आदि का प्रभाव द्योतक माना जाता है। वर्ण से प्राप्त होने वाले यह प्रभाव पूर्ण स्थिति सापेक्ष हैं। आता है यदि व्यक्तित्व तो प्रसन्नता है तो उसके ऊपर श्रृंगारिक भाव लिए हुए लाल गुलाबी रंग पसंददायक है। यदि वह व्यक्ति दुखी है और उदास है तो उसे उदासीनता वाला रंग भाएगा। कलाकार मनुष्य को इन्हीं मानसिकताओं के प्रदर्शन से जो है सामंजस्य के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करता है। रंगों के प्रभाव की दृष्टि से मूल रंग जो है प्रसन्नता को दर्शाते हैं, उत्तेजना को दर्शाते हैं, चंचलता को दर्शाते हैं, क्रियाशीलता, तथा मिश्रित रंग जो है उदासीनता, निष्क्रियता, मुक्ति और शांत प्रभावों के द्योतक माने जाते हैं। इन प्रभावों को हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे पीला, यह सर्वाधिक प्रकाशपूर्ण रंगत है। यह सूर्य के प्रकाश का भी प्रतीक माना जाता है। ये रंगतें प्रफुल्लतया, प्रकाश, बुद्धिमत्ता, प्रसन्नता, समीपता और इसकी द्योतक माने जाते हैं। प्रभाव की दृष्टि से ये जो है उष्ण प्रभाव वाली रंगत हैं, जबकि गहरी तटस्थ और मिश्रित जो है पीले रंगन अरुचिकर, अरुणता, कायरता, ईर्ष्या और कपट का संकेत देती बताई गई है। लाल की अगर बात करते हैं, रेड क्या होता है बेटा? रेड कलर यह सर्वाधिक सघन और आकर्षक रंगत है। ये रंग उत्तेजना, प्रसन्नता और उल्लास, क्रोध, संघर्ष, उष्णता, प्रेम, आवेग आदि भावों का द्योतक है। प्रभाव की दृष्टि से यह रंग जो है उष्ण रंगों की श्रेणी में आता है। चित्र में लाल रंग का प्रयोग चित्रकार को बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। हमारी प्राचीन शास्त्रीय लघु चित्रण कलाओं व जनमानस की लोक कलाओं में इस रंग का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। यह श्रृंगारिक रंग होते हैं, अतः स्त्रियों को विशेष प्रिय भी होते हैं। मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, अलता, चुनरी आदि का रंग भी लाल होता है। ये मूल रूप से किसे प्रभावित करती हैं? तो स्त्रियों को प्रभावित करती हैं। नीले रंग की बात करते हैं बेटा, नीला रंग कौन सा है? तो यह रंग शीतल प्रकृति का रंग पाया जाता है। शीतल मतलब शांत स्वभाव का होता है, आँखों पर ठंडा असर डालता है। साथ ही यह विस्तार को भी दिखलाता है, जैसे समुद्र का विस्तार, आकाश का विस्तार आदि। यह रंग शीतलता, आनंद, रात्रि प्रभाव और आकाश, दुख, मानसिक अवसाद का भी द्योतक माना जाता है। तो दुख का द्योतक कौन सा रंग है? नीला रंग बताया गया है। तो वर्ण में जो है इतने रंगों को भी देखने का प्रयास किया जाता है। हरा की अगर बात करते हैं, हरा क्या है बेटा? तो हरा में हम लोग देखेंगे, ये रंग पीले और नीले की रंग की विशेषताओं से युक्त रंग है, क्योंकि इन दोनों के मिश्रण से ही यह बनता है। अतः यह सर्वाधिक विश्रांतदायक रंग है। साथ ही यह यौन, हरित्मा और अमरत्व से जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार हरा रंग विश्राम, सुरक्षा, मनोहरता, विकास का भी द्योतक माना जाता है। यह रंग भी शीतलता रंगों की श्रेणी में ही आता है। तो विकास का भी द्योतक कौन माना जाता है? हरा रंग माना जाता है। नारंगी की बात करते हैं, यह रंगत लाल और पीले रंग के मिश्रण से बनता है, अतः दोनों के मिश्रित प्रभाव देखने होते हैं। यह वर्ण ज्ञान, वीरता और प्रेरणा का द्योतक भी माना जाता है। बैगनी की बात करते हैं, यह रंगत लाल और नीले रंगत के सम्मिश्रण से बनती है, अतः इसमें इन दोनों के मिश्रित प्रभाव विद्यमान रहते हैं। यह रंगत राजसी, सम्मान, रहस्य और मृत्यु का द्योतक माना जाता है। तो बैगनी रंग सम्मान का और राजसी रंगत का जो है द्योतक माना जाता है। सफ़ेद रंग की बात करते हैं, यह वर्ण शुद्धता, शांति, एकता, उज्ज्वलता, सत्य और विकारहीनता का द्योतक माना जाता है। ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। सफ़ेद रंग किसका द्योतक है बेटा? शुद्धता का है, शांति का है, एकता का है, उज्ज्वलता का है, सत्य का है और विकारहीनता का द्योतक माना जाता है। काला रंग की बात करते हैं, काला यह रंग अवसाद, अंधेरा, भय, बुराई का द्योतक माना जाता है। धूमिल वर्ण की अगर बात करते हैं, क्या होते हैं बेटा धूमिल वर्ण? तो यह काली और सफ़ेद रंगों के मिश्रण से मूल रूप से बनते हैं, अतः इन दो रंगों का मिश्रण प्रभाव उसमें उपस्थित रहता है। यह रंग तटस्थता, संयम और नम्रता का द्योतक माना जाता है। अच्छा, वर्ण प्रयोग क्या है बेटा? वर्ण नियोजन में, वर्ण परिवर्तन में और वर्ण प्रतिस्थापन में मूल रूप से वर्ण का प्रयोग किया जाता है। आइए देख लेते हैं वर्ण प्रयोग। वर्ण प्रयोग से तात्पर्य कलाकार जो है कलाकृति रचनाओं में वर्णों का प्रयोग। कला रचना में वर्ण प्रयोग तीन प्रकार के बताए गए हैं, वर्ण नियोजन, वर्ण परिवर्तन और जो है वर्ण प्रतिस्थापन। वर्ण नियोजन क्या होता है बेटा? कला रचना की प्रक्रिया में असीमित रंग नियोजन के क्रम स्थित किए जाते हैं। मुख्यतया रूप से वर्ण नियोजन की स्थिति निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है। कौन सी? वर्ण शून्यता, एक वर्णीय, समीपस्थ वर्णीय, पूरक रंग, द्विपूरक रंग, विभाजित पूरक रंग, ये बहुत टाइप के हैं। तो वर्ण शून्यता की अगर बात करते हैं, काले और सफ़ेद रंगों के मिश्रण से जो है नई श्रेणी नहीं गिनी जा सकती है, अतः इस श्रेणी में काले और सफ़ेद रंगों के नियोजन किए जाते हैं। एक वर्णीय रंग की बात करते हैं, यह सबसे सरल और जो है वर्ण नियोजक होता है। इसमें एक ही प्रकार के रंग श्वेत या शाम का वर्ण
प्रयोग किया जाता है। समीपस्थ वर्ण नियोजन क्या होता है बेटा? इसमें कहा जाता है एक चक्र में जो रंगतें पास पास आती हैं वह समीपस्थियों में एक ही जाति के वर्ण कहलाते हैं। इनकी रंगतों में किया जाने वाला वर्ण नियोजन समीपस्थ नियोजन कहलाता है और इस श्रेणी में पीला हरा इत्यादि रंगों का नाम जो है सघनता के क्रम में लिया जाता है। पूरक रंग क्या होता है बेटा? वर्ण चक्र में जो रंग एक दूसरे के आमने सामने पाए जाते हैं वो जो है पूरक रंग कहलाते हैं। उन उसे इसमें पूरक रंगों में निम्नलिखित मान का सघनता के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे लाल और हरा, नीला और नारंगी, पीला और बैंगनी आज जो है पूरक रंग है। दो, पूरक वर्ण नियोजन क्या होता है बेटा? इसमें कहा जाता है वर्ण नियोजन में दो समीपस्थ वर्णों के पूरक वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाल नारंगी प्लस लाल, लाल नारंगी प्लस लाल के साथ नीला हरा और नीला इत्यादि जो है बनते हैं, तो इसे हम लोग द्विपूरक रंग कहते हैं। विभाजित पूरक वर्ण नियोजन क्या होता है बेटा? तो विभाजित पूरक वर्ण नियोजन में इस नियोजन में किसी भी प्रकार के एक वर्ण को और उसके पूरक वर्णों को दोनों ओर एक दो वर्ण लिए जाते हैं, अर्थात इसमें द्वितीयक पूरक वर्ण को दो खंडों में विभाजित होकर के प्रयोग किया जाता है। लाल पीला हरा नीला हरा इत्यादि जो है मूल रूप से विभाजित पूरक रंगों में नियोजित होते हैं। और त्रिवर्ण नियोजन क्या होता है? तीन वर्णों का नियोजन एक साथ किया जाता है, उसमें त्रिवर्ण नियोजन हो जाते हैं। जैसे बात करते हैं इस वर्ण नियोजन में विभिन्न वर्ण आते हैं जो जो वर्ण चक्र के समान दूसरी ओर स्थिति पे होते हैं, अर्थात त्रिकोण को स्पर्श करने वाले रंग नियोजन में प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे तीन मुख वाले रंग, तीनों द्वितीयक रंग होते हैं, इसमें मूल रूप से बताए जाते हैं RO, RP और BP, BG, YG, तो इस टाइप से खूब आते हैं वायु, तो ऐसे तीन द्वितीयक रंगते होती हैं। और चतुष्ष वर्ण नियोजन क्या होता है बेटा? चतुष्ष वर्ण नियोजन मतलब चार वर्णों का एक साथ समूह होता है। चतुष्ष वर्ण नियोजन वर्ण चक्र में समान दूरी पर स्थित कोई भी चार वर्णों का प्रयोग चतुष्ष वर्ण नियोजन के अंतर्गत आता है, जैसे लाल पीला नारंगी हरा नीला बैंगनी आदि जो है ऐसा आता है। और बहुवर्णीय नियोजन में क्या होता है बेटा? ये बहुवर्णीय नियोजन में इस वर्ण नियोजन में विभिन्न रंगतों का प्रयोग किया जाता है, परंतु यह एक जटिल वर्ण नियोजन है, अतः इसका जो है सफल प्रयोग कलाकार की कुशलता पर ही निर्भर करता है। लास्ट में आता है प्रखर एवं मंद वर्ण नियोजन। तो प्रखर और मंद वर्ण नियोजन क्या होता है बेटा? इस वर्ण नियोजन में हल्की तान वाली रंगतों का चुनाव किया जाता है, अधिक मान वाली रंगतें नहीं प्रयोग की जाती हैं। अब आता है वर्ण परिवर्तन, चेंज ऑफ कलर्स। तो वर्ण परिवर्तन वर्ण के प्रभाव में विभिन्न कारणों से जो परिवर्तन होता है वह वर्ण नियोजन का प्रभावित करते हैं। ये कारण क्या हैं इसे हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे रंगन में परिवर्तन क्या होता है बेटा? रंगन में परिवर्तन की बात होगी तो जहाँ निकटवर्ती वर्ण परस्पर पूरक वर्णों का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे लाल के पास पीला वाला वर्ण होने से पीले में हरा और लाल में बैंगनी वर्ण प्रभाव आ जाते हैं। जैसे कहाँ पे? तो पीले में हरा आएगा, लाल में वर्णगिरी जो है आ जाएगा, उसमें रंगत का परिवर्तन होता है। मान में परिवर्तन की अगर बात करते हैं, जहाँ वर्ण का निम्न मान गहरी पृष्ठभूमि व हल्की पृष्ठभूमि में गहरी होने का आभास दिखाता है, वहाँ मान में परिवर्तन बताया जाता है। अच्छा, सघनता में परिवर्तन कैसे होता है? तो सघनता में अगर परिवर्तन देखना है तो सघन वर्ण समीप अधिक सघन वर्ण जो है समीप के वर्ण में अपने पूरक वर्णों का प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं, जैसे लाल पृष्ठभूमि पर अंकित धूमिल वर्ण को हरे वर्ण का आभास करवा देता है। और आकारगत परिवर्तन क्या होता है बेटा? तो जहाँ समान मान और समान सघनता वाली रंगत भी विभिन्न विभिन्न रूपों में प्रयुक्त होती हैं, वहाँ विभिन्न प्रभाव उत्पन्न करती हैं। पोतगत परिवर्तन क्या होता है बेटा? जब एक ही रंग का प्रयोग समान धरातल पर भिन्न भिन्न पोत लगा के किया जाए तो जो है भिन्न प्रभाव उत्पन्न होगा। इस प्रकार एक ही रंग भिन्न भिन्न प्रकार के धरातलों जैसे खुरदरा, गाढ़ा, सूखा, सपाट, चिकना आदि में भिन्न परिवर्तन उत्पन्न करता है। अच्छा, इतना पढ़ने के बाद वर्ण प्रतिस्थापन को हमें देखना होगा। वर्ण प्रतिस्थापन क्या होता है? वर्ण चित्र की आत्मा होती है और उसका जो है प्रतिस्थापन चित्र की आत्मा के प्रतिस्थापन की भांति ही माना जाता है। जिस प्रकार मंदिर में भगवान की मूर्ति है, अतः यह चित्र प्रमुख रूप से इसके लिए हमें निम्नलिखित प्रकार के प्रयोग करने पड़ते हैं। जैसे पुनरावृत्ति की अगर बात करते हैं तो पुनरावृत्ति एक ही वर्ण को बार बार पुनरावृत्ति करके हम जो है चित्र भूमि पर एक प्रवाहपूर्ण लय को उत्पन्न कर सकते हैं। परिवर्तन की बात करते हैं, किसी भी वर्ण में अन्य वर्णों के मिश्रण से भिन्नता का जो है प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है, जिसमें एकर सत्ता के प्रभाव को तोड़ा जा सकता है। विरोधाभास क्या होता है बेटा? विरोधाभास की अगर बात करते हैं तो पूछा गया है विरोधी अथवा पूरक वर्णों का प्रयोग से चित्र में सक्रियता का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है, विरोधाभास है। सहयोग क्या है? वर्णों को चित्र के विषय व अन्य चित्रित तत्वों के सहयोग के आधार पर लगने से
चित्र के वर्ण और सहयोग भाव को उपस्थिति हो जाती है, यह है सहयोग। संतुलन क्या है? वर्ण का विभाजन चित्र भूमि पे समान रूप से होने से चित्र असंतुलित होने से बच जाता है, यह है संतुलन। अनुक्रमण क्या होता है? तो अनुक्रम होता है बेटा, वर्ण को चित्र भूमि कर जो है क्रमानुसार लगाकर भी प्रवाह उत्पन्न किया जा सकता है, वो है मूल रूप से अनुक्रमण। और लास्ट में आता है संगति। संगति क्या है बेटा? तो संगति वर्ण की पारस्परिक और उच्च तालमेल की वर्ण संगति मूल रूप से होती है, उसी को हम लोग संगति कहते हैं। इस प्रकार वर्ण नियोजन, वर्ण परिवर्तन और वर्ण विस्थापन चित्रों के वर्णन के लिए मूल रूप से मुख्य आधार माने जाते हैं। तो आगे अगर हम लोग बात करें तो मुख्य आधार में और क्या क्या आ सकता है, तो हम कह सकते हैं कि वर्ण कला रचना में अनेक मूल तत्वों से पहले दृष्टि को आकृत करता है, अतः इसे रचना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कहा जाना चाहिए। भारतीय दृष्टिकोण में रंग का व्यवहारिक उपयोग से बढ़ा करके भी मनुष्य की चेतना में और भी गहरा महत्व देता है। समस्त प्राचीन भारतीय चित्रकला में रंगत को ही रूप का वास्तविक संवाहक माना गया है। बाघ, अजंता, बादामी आदि के प्राचीन चित्रावली में राजस्थानी पहाड़ी आदि के चित्रों का आधार भी यही महत्वपूर्ण सत्य माना जाता है। तो वर्ण भी हो गया, वर्ण को हमने देखा, वर्ण में हमें विभजोर याद रखना है, उसका क्रम बहुत बार पूछ लिया गया है बेटा, वर्ण में विभजोर याद करना है आपको, और प्राथमिक रंग आपको सदैव याद रखना है बेटा, प्राथमिक रंग लाल, पीला, नीला, ठीक है। तो प्राथमिक रंग आपको सदैव दिमाग में बिठा के रखना है। द्वितीयक रंग आप जानते हैं, प्राथमिक से बनने वाले रंग द्वितीयक होते हैं। और विभजोर का क्रम आपको रखना है बी आई, यानी बैगनी, नील, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, तो विभजोर आपको याद रखना होगा। वर्ण के बाद नाम आता है तान का, आइए देखते हैं तान क्या है बेटा। तान परिभाषा, तान रंगत के हल्केपन और गहरेपन का द्योतक होता है, अभी जस्ट हमने देखा है इसी में। जो किसी भी वर्ण में सफ़ेद और काले रंग से मिश्रण से बनती हैं, किसी भी वर्ण की सफ़ेदी और काले की मात्रा को अंतर में वर्ण की अनगिनत ताने प्राप्त की जा सकती हैं। वर्ण में सफ़ेद रंग मिलाने से जो हल्का तान प्राप्त होता है उसे आभा कहा जाता है, और जो है काले रंग से प्राप्त होता है गहरा तान, उसे छाया कहा जाता है। वस्तु के ऊपर पड़ने वाले जो है प्रकाश के एक समान होते हैं, उसमें विभिन्न ताने दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि एक वस्तु एक तलीय नहीं होता है। इस प्रकार प्रकाश की सारी मात्रा के अंतर आधार पर भी अनेक ताने दिखाई देती हैं, अनेक ताने प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार ताने के माध्यम से वर्ण प्रतिस्थापन का महत्व द्विगुणित हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ टोन्स क्या होता है बेटा? तो तान का वर्गीकरण क्या है? तो तान मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है, छाया, मध्य और प्रकाश, मूल रूप से तीन टाइप के वर्ण बांटे जा सकते हैं। वस्तुतः तान का यह क्रमिक विभाजन काल सफ़ेद की मात्रा में रंगत के मिश्रण से प्राप्त किया जा सकता है, जो रंगत को हल्का और गहरा बनाता है। तो जो रंगत को हल्का और गहरा बनाएगा उसे हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। तान के प्रभाव क्या होते हैं? चित्र में विभिन्न उपायों से तान का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे विभाजन पद्धति के अनुसार। तो चित्र भूमि के अंतराल पर सफ़ेद और काले का नियोजन संतुलित होना चाहिए, इसका विभाजन बराबर होना चाहिए। जैसे काले आकार पर सफ़ेद प्रकार का प्रयोग किया जाना चित्र भूमि की गति को प्रदान करता है। परिवर्तित पद्धति की अगर बात करते हैं, चित्र सदैव सक्रिय और सहायक तलों में विभाजित रहता है, इसी में यदि मान परिवर्तित कर दिया जाए तो तान भी प्रभावित हो जाता है, तान भी प्रभाव बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं क्रम स्थापना पद्धति क्या होता है। तो चित्र के शून्य व निष्क्रिय अंतराल में जो क्रम स्थापित होता है या पद्धति से जीवंत होता है किया जा सकता है, इसे अंतराल में सक्रियता व आकार की मधुरता लाई जा सकती है। इसमें क्रम स्थापना पद्धति का प्रयोग खूब अच्छे से किया जाता है। क्षेत्र क्या है? तो आकार का क्षेत्र और उसकी तान दर्शक को सर्वप्रथम आकर्षित करते हैं। चित्र के दो असमान आकार ही तान हैं, और जो है उसके क्षेत्र का महत्व होता है, लेकिन समान आकार होने पर तान का महत्व बढ़ जाता है। बड़े आकार प्रफुल्लता शक्ति और ओज के द्योतक माने जाते हैं। तो ये तो तान हो रहा है, तान चल रहा है, तान के महत्व और प्रयोग क्या होते हैं बेटा, ये तान देख लेते हैं। तान का महत्व और प्रयोग, चित्रतल में द्वियामी है, और परंतु तान के प्रयोग से इसे हम त्रियामी बना सकते हैं, त्रियामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। वस्तुओं में वास्तविक आकार और आयतन का भी आभास मिलता है, इसे तान से ही मिलता है। तान का प्रयोग जो है परिक्षेप्य में भी किया जाता है, परिक्षेप्य के प्रभाव को दिखाने के लिए भी किया जा सकता है। इसमें वातावरण ये क्षय की वृद्धि का जो है समस्या भी हल किया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। साथ में कहा जाता है चित्र में तान की संतुलन जो है विरोधाभास और संगति के सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। चित्रकार अपनी कुशलता से तान का प्रभाव उत्पन्न कर सकता है और एकार सत्ता में तोड़ सकता है। इस प्रकार चित्रकार अपने प्रयोग और अनुभव के आधार पर तान के माध्यम में चित्र बनाने के लिए बढ़ सकता है। तान होता क्या है बेटा? रंगत के हल्केपन और गहरीपन का द्योतक होता है। तान में अगर हम लोग जो है
हल्कापन प्राप्त करते हैं तो आभा कहलाता है, और जो गहरापन कर देते हैं काले रंग से प्राप्त होता है तो तान को हम लोग छाया कहने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपको तान से याद रखना होगा। अब तान के बाद आता है बेटा क्या, पोत। पोत आता है, पोत के बाद अंतराल है। बस पोत पढ़ लें, अंतराल पढ़ लें, अपना काम यहाँ से कम्प्लीट होता है। पोत पोत की बात करते हैं बेटा, उसको किसी भी वस्तु के धरातल के गुण को ही पोत कहा जाता है। धरातल पर जैसा दर्शाया गया वही उसका पोत है। विभिन्न प्रकार के पदार्थ और पत्थर उसके रंग और रूप के स्पर्श ज्ञान होते हैं। प्रकृति प्रदर्शों के अतिरिक्त मानव निर्मित भी अनेक वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के धरातल देखने को मिलते हैं। पोत को जहां एक ओर हमने देख सकते हैं, वहीं नेत्रों के द्वारा उनको छूकर स्पर्श ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। अतः पोत से तात्पर्य है कुछ छूने और देखने में एक ही प्रकार की अनुभूति होती है, चाहे छूओ चाहे देखो, दोनों में एक ही प्रकार की अनुभूति होगी, फीलिंग होगी। उदाहरण के लिए एक पत्थर जो कि ठोस व कठोर है, उसे पत्थर की तरह कठोर ही दिखाया जा सकता है, ना कि नरम मांस के टुकड़े की समान दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार देखने से, छूने से और सम्मिलित अनुभव से वस्तुओं की जैसी स्थिति दिखाई देती है वैसी ही छूने में भी अनुमान होता है। अतः गीला और सूखा धरातल, रूखा और मुलायम, चिकना और धूमिल धरातल आदि जो है विभिन्न प्रकार के धरातल होते हैं, जो छूने पर देखने में एक समान अनुभूति होते हैं। चित्रकार द्वियामी धरातल जैसे कि कपड़ा, मिट्टी, छाल, ताड़पत्र विभिन्न प्रकार के अपनी अभिव्यक्ति का साधना बताता है। इस प्रकार अनेक स्वाभाविक पौध का जो प्रयोग हुआ है अपनी व्यक्ति में करता है। धरातल में संपूर्ण गुण पोतों के माध्यम से ही अभिव्यक्ति किया जा सकता है। ये माना जाता है पोतों का वर्गीकरण कितने टाइप का होता है, तो यहाँ पे हम लोग तीन टाइप में मूल रूप से इसे बांट लेते हैं। प्रकृत पोत होता है, अनुकृत पोत होता है और सर्जित पोत होता है। चलिए देखिए प्रकृत पोत क्या है बेटा, तो पोत को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, याद रखना है। प्राकृतिक पोत क्या होता है, प्राकृतिक पोत है मूल रूप से, प्राकृतिक पोत वह है जो वस्तु की मूल संरचना में प्रकृत रूप से विद्यमान होती हैं। इस प्रकार प्रकृति प्रदत्त और मानव निर्मित सभी वस्तुएं आ जाती हैं। वस्तु चित्रण के अंतर्गत कला का अध्ययन स्पर्श और दृष्टि से दोनों ही भांति करते हैं, तथा फूलों में पत्तियों को सुखाकर काटकर अध्ययन किया जाता है, मूल रूप से प्राकृतिक हो जाते हैं। अनुकृत पोत क्या होता है बेटा, अनुकृत पोत में प्रकृति पोत या प्रकृति प्रदत्त पोत का अनुकरण करके निर्मित किए जाने वाले पोत जो है अनुकृत पोत कहलाते हैं। इस प्रकार के पोत का सफल अंकन किया जा सकता है। इस प्रकार के पोत के माध्यम से द्वियामी तल का त्रियामी प्रभाव भी उत्पन्न किया जा सकता है। आधुनिक ग्राफिक कला की विधियों का प्रकार इस प्रकार के पोत में प्रचुर मात्रा में अंकन किया जा रहा है। आगे बात करते हैं तो तीसरा टाइप आता है सृजित पोत। सृजित पोत क्या है, इसके अंतर्गत कलाकार अनेक यंत्रों व विभिन्न साधनों के द्वारा भांति भांति के पोत का सृजन करता है। इसे हम कृत्रिम पोत भी कह सकते हैं। कुछ विधियां कलाकार समतल धरातल पर विभिन्न प्रकार के ब्रश से प्रयोग करके, सूखे ब्रश एक रंग पे दूसरे रंग को चढ़ाया गया, दांतों के ब्रश से या फिर पेंसिल के तैल रंगों से, जल के मिश्रण से या फिर पतले रंग से मोटा रंग लगा करके, तथा कुछ अन्य वस्तुओं को काट करके सतह पर चिपका के ऐसा काम करते हैं, जैसे लकड़ी का बुरादा, बजरी और मिट्टी आदि का प्रयोग करके पोत के लिए किया जाता है। आधुनिक कला में कोलाज पद्धति बहुत अच्छी है बेटा, ये कोलाज पद्धति पूछा गया है। कोलाज पोत के प्रति सजगता से ही विकसित हुआ है। इसी प्रकार पारदर्शी कागज को सतह पे चिपकाकर उसी भी पोत का निर्माण किया जा सकता है। पेंटिंग चाकू के प्रयोग से भी अनेक प्रकार के पोत सृजित किए जाते हैं। आधुनिक कलाकार पिकासो की कृतियों में पोत की विभिन्नता को देखने को मिलता है। तो पिकासो की चित्रों में खूब ज़्यादा दिखाई देता है पोत। पोत का प्रभाव वहीं पे दिखाई देता है। पोत की अगर बात करते हैं, पोत और क्या समझता है, तो पोत आप देख सकते हैं पिकासो की पेंटिंग है, ये बहुत फेमस पेंटिंग है, पोतों के अंतराल पे ही चलती है। वस्तुतः सृजित पोत का प्रयोग जो है विविधता से कर करके कलाकार अपनी कला को बहुत समृद्ध कर सकता है। पोत का अंतराल क्या होता है बेटा, तो अंतराल में पोत की उपस्थिति चित्र की एकर सत्ता को भंग करके उसमें जो है रुचिकर बनाती है। आधुनिक कला में कोलाज का विकास पोत के रूच को उत्पन्न होने से ही हुआ है। इसके माध्यम से धरातल पर विभिन्न वस्तुओं की चिपका करके धरातल की एक सत्ता को तोड़ते हुए संभवतः ऐसा दर्शाया गया है। इसी प्रकार दो आकारों के परिणाम और आकृति आदि के समान हो तो पोत का सहायता भी उसमें भिन्नताएं से लाई जा सकती हैं। पोत और मूर्तिकला क्या है बेटा, तो मूर्तिकला के निर्माण में भी पोत बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। इसमें मूर्तिकला के धरातल की समर सत्ता और चिकनेपन को खत्म किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पोत के निर्माण से भी रुचकर बनाया जा सकता है। पोत की सहायता से उसमें अधिक गहराई और उभार दिया जा सकता है, साथ में मूर्ति आकार को अधिक संतुलित किया जा सकता है। समसामयिक कलाकार ने मूर्तिकला पर वर्ण के माध्यम से भी पोत सृजित करके नए आयाम को प्रदर्शित किया जा सकता है। और पोत के प्रकार का प्रभाव क्या होता है बेटा, टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल साइंस इफेक्ट क्या होते हैं, तो पोत की अनुभूति को व्यक्त करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के स्पर्श वेदना
शब्द सूचक को प्रयोग करते हैं, जैसे कोमल, कठोर, चिकना, खुरदरा इत्यादि। खुरदरा पोत कैसा होता है? ये पोत दृष्टि में स्पर्श संवेदना को तुरंत जन्म देता है। कलाकार इस प्रयोग की रचना में बहुत अधिक करते हैं, क्योंकि यह सतह के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं, जैसे सतह का खुरदरापन, दरी आदि। चिकनेपन पोत कैसे होते हैं? ये पोत जो है सुखद स्पर्श की अनुभूति देते हैं, परंतु दृष्टि से अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। ये प्रकाश को परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, जैसे तैलीय धरातल। आगे कोमल पोत क्या होता है? बड़ा सॉफ्ट टेक्सटाइल का होता है। ऐसे पोत जो स्पर्श संवेदना को कोमल और सुखद लगते हैं, वे स्पर्श की दृष्टि से प्रेरित करते हैं, जैसे गुलाब के फूल की कोमल पंखुड़ियाँ, तो ये कोमल पोत हैं। और कठोर पोत क्या होता है बेटा? ये पोत सघन होने के कारण जो है कठोर प्रतीत होती हैं। ये पोत शक्तिपूर्ण और दृष्टिया के द्योतक हैं, परंतु कठोर और कड़े होने के कारण सुखद प्रभाव नहीं उत्पन्न करते हैं, जैसे पत्थर की सतह का कठोरपन आदि जो है कठोर पोत के उदाहरण माने जाते हैं। पोत का महत्व क्या है? पोत का महत्व है, पोत का चित्रकला के तत्व, रेखा, रूप, रंग आदि के समान ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और आधुनिक कलाकार कला रचना में पोत को प्रयोग से जो है अधिकाधिक करने लगे हैं। प्राचीन समय की कलाओं में चित्रकला, मूर्तिकला और भवन निर्माण आदि कला में मूलों से समतल सतहें अच्छी मानी जाती हैं, परंतु आज स्थिति भिन्न है। कला में विभिन्न प्रकार के पोत का प्रयोग किया जाने लगा है, इससे धरातल में रुचि उत्पन्न होती है। विभिन्नता लाने के लिए, चक्षुष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए रचना में पोत का प्रयोग होने लगा है। इस प्रकार पोत भी चित्र की तत्वों में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान लगता है, जितना कि अन्य तत्व। आधुनिक कलाकार पोत के महत्वपूर्ण को समझने में लगते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं को और अधिक सौंदर्यमान गुण प्रदान करने के लिए पोत की विविधता को अपनाया है, जैसे चित्रकला, भवन निर्माण, मूर्तिकला, आंतरिक सज्जा, बाह्य सज्जा आदि के जो नए नए पदार्थ हैं, जैसे कांच, प्लास्टिक, स्पंज, रबड़ आदि का जो प्रयोग है, करके पोत को और अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। जो जो कलाकार में प्रवीणता आती है वो प्राप्त करता जाता है, उसके अनुभव परिपक्व होते जाते हैं, वह कला के पक्ष में अंतर्गत और जो है अधिकाधिक पौधों का निर्माण करेगा। केवल मात्र प्रकृति रूपों की वस्तु स्थिति पर ही निर्भर नहीं रहता है, घनवादी, यथार्थवादी, रचनावादी और आदि कलाकारों में भी पोत को पर्याप्त रूप से इस्तेमाल किया है। तो पोत, आप जान गए, किसी भी वस्तु के धरातल के गुणों को ही पोत कहा जाता है। आगे बात करते हैं, पोत के बाद आता है बाटा, नाम अंतराल का, ये लास्ट स्टेप है। और अंतराल में क्या होता है बेटा? तो चित्र के तत्वों में अंतराल वह शब्द है जो उसे फॉर्म का आधार देता है। अंतराल के अभाव में संयोजन की कल्पना जो है असंभव है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में इसके लिए महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के में इसे जो है स्थान सम्रांगण सूत्रधार में, भूमिबद्ध और जो है अभिलाषितार्थ में चिंतामणि में स्थान निरूपण कहा गया है। तो ये नाम पूछे गए हैं, जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसे क्या कहा गया? स्थान कहा गया है। किसको? अंतराल को। समरांगण सूत्रधार में भूमि बंधन कहा गया है। अभिलाषितार्थ चिंतामणि में इसे स्थान निरूपण कहा गया है। और इसके अंतराल में स्थान, अंतरिक्ष, आकाश, शून्य आदि का भी प्रयोग खूब अच्छे से किया जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना होगा, कहाँ क्या कहा गया। व्यापक अर्थ में अंतराल चित्र वह तत्व है जो प्रत्येक रूपकार्य तत्वों को अपने में समाहित करता है, वही मूल रूप से अंतराल कहलाता है। अंतराल की परिभाषा की अगर बात करते हैं तो आइए देख लेते हैं परिभाषा भी। चित्र के अंतर्गत द्वियामी चित्र भूमि ही अंतराल कहलाती है, जिसका विभाजन न व्यवस्था ही अंतराल के अंतर्गत स्थान रखते हैं। चित्र इस प्रकार के रूप का निर्माण करता रहता है। कलाकृति के अंतर्गत में सीधे संबद्ध होता है, जिसका संबंध कलाकार की अनुभूति से होता है। चित्र बनने से पहले कलाकार जो है अपना अंतराल का प्राथमिक विभाजन करता है और अपने संपूर्ण चित्र को उसके पर जो है लाद देता है, उस पर आधारित कर देता है। अच्छा, अंतराल का स्वरूप कैसा होता है? सामान्यतः अंतराल दो स्वरूपों के माध्यम से रिक्त स्थान को बोध कराता है। तो सामान्यतः अंतराल दो स्वरूपों के माध्यम से रिक्त स्थान का बोध करवा देता है, जैसे संगीत के स्वरों के मध्य जो है अवकाश, बोलते समय शब्दों के वाक्य के बीच का अवकाश ठहराव स्वरों के शब्दों को समझने के लिए एक क्रम की स्थापना करता है। उसी प्रकार चित्रभूमि में अंतराल जो है चित्रकार की रेखा, रूप, वर्ण आदि को जो है प्रयुक्त करने के लिए आधार प्रदान करता है। अतः अंतराल की रचना का आधार जो है मूल रूप से अंतराल ही है। अतः अंतराल की रचना का आधार है, अंतराल रचना का आधार है, याद रखना है। अंतराल किसका है? रचना का आधार माना जाता है। नेक्स्ट, कलाकार आवश्यकता अनुसार अपने अंतराल को बनाता है और मिटाता है, परिभाषित करता है और रूपांतरित करता है, क्योंकि अंतराल कलाकार की कलाकृति का भी संभावनाएँ लिए खुलता है। आगे बात करते हैं तो अंतराल का वर्गीकरण किया गया है। अंतराल कैसे क्लासिफिकेशन आप स्पेस होता है, कैसे होता है बेटा? तो दो टाइप में इसे बांटा जाता है, सक्रिय और प्रत्यक्ष अंतराल, सहायक और अप्रत्यक्ष अंतराल। तो चित्रभूमि पे जिस प्रकार मुख्य भूमि, मुख्य स्थान होता है, वहीं प्रत्यक्ष और सक्रिय अंतराल होता है, जबकि गौड़ अथवा सहायक अथवा अप्रत्यक्ष अंतराल कहलाता है। अर्थात
रूप व स्वरूपों से मिलकर बनी चित्रभूमि मुख्य अंतराल है। वह इसके बाद से इस बचा खाली स्थान जो बीच बीच में आग्रभूमि पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है वह गौड़ अंतराल कहलाता है। किसी भी संयोजन में इस सहायक अंतराल का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि संगीत के स्वरों में अवकाश का होता है। कला रचना में सक्रिय और सहायक तल का सुंदर सामंजस्य किसी भी कलाकृति को महान बनाने के लिए सक्षम होता है। ये दोनों अंतराल जहाँ एक ओर दृष्टि को गति देते हैं वहीं दूसरी ओर जो है संयोजन में एकता को खंडित होने से बचाते हैं। अतः ये दोनों ही अंतराल संयोजन की सक्रियता को आधार प्रदान करते हैं। अंतराल का विभाजन कैसे होता है? तो चित्र रचना आरंभ करने से पूर्व चित्र पूर्णतया संतुलित होता है, परंतु ज्यों ही चित्रकार उनमें रेखा अथवा बिंदु के माध्यम से कोई रूप निर्माण करना प्रारंभ करते हैं चित्रभूमि का यह अंतराल जो है खंडित होकर के विभाजित हो जाता है और चित्रकार अनेक स्वरूप वर्ण आदि का माध्यम से उसे फिर से संतुलित करने में जुट जाता है। चित्रकार को इस तरह से करते हुए अंतराल के रूप में वर्ण सामंजस्य के अपने भावों को संप्रेषित करने की क्षमता भी पैदा हो जाती है और साथ में जो है अंतराल विभक्ति की मात्र यांत्रिकता पर ही अंतराल नहीं करता है। और कहा जाता है अंतराल विभाजन में अनेक पद्धतियां होती हैं, परंतु प्रमुख रूप से दो पद्धतियां प्रचलित हैं। कौन कौन सी हैं? समविभाजन और असम विभाजन। समविभाजन और असम विभाजन में क्या क्या अंतर है? जैसे समविभाजन में चित्रभूमि को रेखा अथवा रूपकारों के माध्यम से एक प्रकार से विभाजित करना है और चारों ओर से समान रूप से विभाजित हो जाए ऐसा चित्रतल बनाना है। इसे देखेंगे आप समान रूप से हो जाए और रूपकारों का चार भागों में समान रहे यही समविभाजन कहलाता है। जैसे आपने ये वर्ग लिया ये लिया इसे चार खंडों में बांट दीजिए, प्रत्येक खंड बराबर ही रहेंगे उसमें कोई डाउट नहीं है, जो लेना हो ले लीजिए। तो ऐसा विभाजन प्राचीन भारतीय शास्त्रीय कलाकारों के मध्य यूरोपीय इतिहासकार लियोनार्डो और जो है माइकल एंजेलो ने प्रायः सम विभाजन का प्रयोग करके अधिकांश चित्रों की रचना की है। यह विभाजन शक्ति स्थिरता संतुलन एवं एकता के भावों को प्रदर्शित करता है। तो कौन जो है सम विभाजन सिद्धांत पर काम किया है? सम विभाजन पर मूल रूप से इसका वर्गीकरण किया जाता है और सम विभाजन में मूल रूप से अंतराल का काम करता है। कौन करता है? तो वो करता है लियोनार्डो और माइकल एंजेलो, इस टाइप से काम किए हैं। आगे आता है असम विभाजन। असम विभाजन में इस विभाजन में कलाकार स्वतंत्रतापूर्वक अपना संयोजन बनाता है, यद्यपि उसकी रचना में असंतुलित विशेष बल देता है। संतुलन के साथ साथ वह अपनी रचना में संयोजन की मूलकता और सृजन के पक्ष में भी बल बनाए रखता है। क्षेत्र में असमानता गतिशीलता रोचकता का सृजन करती है। आधुनिक कला में अधिकांशतः इस प्रकार का अंतराल विभाजन ही देखने को मिलता है। आगे अंतराल विभाजन की एक अन्य पद्धति क्या है? तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत क्या होता है बेटा? अंतराल विभाजन का सबसे श्रेष्ठ विभाजन वह कहा जाने लगा जहां एकता और रोचक दोनों ही तत्व समावित हों। इस दृष्टि से स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत की पद्धति श्रेष्ठ कही जा सकती है। प्राचीन यूनानी कलाकार इस पद्धति को विकसित करने में अपनी रचनाओं अपनी बहुतायत प्रयोग करते रहे हैं। स्वर्णिम विभाजन का कला रचना में उस गणितीय संबंध को कहा जाता है जिसमें चित्रभूमि के प्रकार से विभाजित किया जाए, इसे छोटे व बड़े भागों के बीच में अनुपात हो जाए, बड़े भाग को संपूर्ण विभाजन से हो जाए, अर्थात बड़ी आकार की भूमि मूल रूप से अर्थात बड़ी आकार की भूमि व छोटे आकार की भूमि को बराबर कर दिया जाए, तो ऐसा काम यहाँ पे हो जाता है। बराबर कर दिया जाए तो दो छोटे आकारों को बराबर एक बड़ा आकार हो जाएगा। इस टाइप से देखेंगे आबा आशा, तो आशा साबा मूल रूप से आशाबा ही यहाँ तक आ गया। कुल मिलाकर के ऐसा काम कर दिया जाए तो ये मूल रूप से ऐसा हो जाएगा। अर्थात यह सिद्धांत संबंधित भूमि में अनेक प्रकार की एकता स्थापित करता है। इस प्रकार जो है इस पद्धति का आधुनिक चित्रकार अनेक प्रकार से प्रयोग करता रहा है। विभिन्न कला रूप में अंतराल का स्थान क्या होता है बेटा? वास्तु रचना और अंतराल क्या होते हैं? वास्तु अथवा स्थापत्य रचना में अंतराल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्थापत्य के अंतराल में त्रयामी स्वरूप दिखाई देते हैं, अतः स्थापत्य जो है अतः यह अंतराल स्थापत्य के समूचे ढांचे के अवांछनीय रूप से जुड़ना होता है जिसमें गति की स्थिति बनी रहती है, जिसमें बाह्य और आंतरिक अंतराल स्थापित ढांचे से विभाजित होता है। इसमें दृष्टिकोण से स्थापत्य के अंतर्गत अंतराल यानी खाली स्थान रूपकरों से अधिक महत्वपूर्ण स्थिति में रखा जाता है। और हेनरी मोर का एक दृश्य आता है, आप देख सकते हैं हेनरी मोर का यह दृश्य है, बहुत फेमस है। मूर्त शिल्प और अंतराल क्या होता है? स्थापत्य ही भांति मूर्त शिल्प भी त्रयामी अंतराल की स्थिति में बनी रहती है, परंतु रूपकार ने ठोस से ही गति की स्थिति नहीं बनाती है। मूर्त शिल्प में सक्रिय एवं सहायक दोनों अंतरालों के मध्य सामंजस्य की स्थिति होती है और रचना के अंतिम छोर में अंतराल को संपूर्ण आकृति से संतुलन बनाते हुए विभाजित किया जाता है। आधुनिक मूर्त शिल्प में सहायक अंतराल को भी मूल रूप से रचना में सुंदरता के साथ साथ समायोजित करने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह रचना के अंतर्गत खाली स्थान छोड़कर आया हो या क्यों ना किया जाए। ब्रिटिश मूर्तिकार हेनरी मूर के मूर्त शिल्प इस अच्छे उदाहरण के लिए कहे जाते हैं। हेनरी मूर का भी जस्ट आपने देखा है, वो डाटा मूर्त शिल्प और अंतराल के लिए बहुत फेमस है, बहुत पर्याप्त है। आगे चित्रभूमि के अंतराल में रूप की व्यवस्था क्या की गई है? तो वस्तु आकृति अपने
परिमाण के अनुसार चित्रभूमि पर स्थान घेरती है। यह चित्रभूमि द्विआयामी होती है, परंतु जो है यथार्थ जगत में वस्तुएं त्रिआयामी होती हैं। अतः चित्रभूमि पर केवल मात्र सृष्ट भ्रम का प्रभाव उत्पन्न करके ही त्रिआयामी वस्तुओं को चित्रित किया जा सकता है। इस नियम को केवल घनवादी कलाकारों ने जो है नए रूप में प्रयुक्त किया है। उन्होंने रूपकारों को एक ही स्थान में विभिन्न कोणों से देखने की सुविधा प्रदान की है, अर्थात द्विआयामी और त्रिआयामी प्रभाव एक ही साथ उत्पन्न करके अंतराल का काल को जो है नई दिशा प्रदान की जाती है। प्राचीन भारतीय चित्र परंपरा में अंतराल में रूप स्थित रूप दर्शक की दृष्टि से एक विस्तृत दृश्य प्रदान करते हैं, जो है जहां काल और अंतराल की संबद्धता को देखा जा सकता है। फिलहाल ये सब डाटा जो है ये GIRF का डाटा है, यहाँ पे पता नहीं कैसे समाहित कर दिया गया है। यहाँ पे जो 4-6 क्वेश्चंस बनते थे उसको देख लेना चाहिए था, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा दबाव के चलते हुए ऐसा काम हो रहा है और पूरा चित्रकला के तत्व को हम लोग पढ़ रहे हैं। आच्छादित तल क्या होता है? जो तल हमारे सबसे निकट और सबसे पास होते हैं, सामने होते हैं, उसे आच्छादित नहीं होने देते, परंतु शेष तल आच्छादित हो सकते हैं, चाहे उसमें भार की आकृतियाँ हों। इसमें विधि के द्वारा रूपांकरित का मध्य नाटकीय हो दूरी का आभास कराते हों, मूल रूप से आच्छादित तल कहलाते हैं। आकार में विभिन्नता क्या होती है? बेटा आकार में विभिन्नता, इस विधि का प्रयोग चित्रभूमि पर आकार की महत्व के आधार पर उन्हें छोटे बड़ा करने के लिए किया जाता है। अजंता में माता पुत्र नामक चित्र में तथागत और माता पुत्र यशोदा और पुत्र की आकृतियों में आकारों को छोटा बड़ा करके संयोजित किया गया है। ऐसा कहाँ हुआ है? अजंता में हुआ है। आकार की स्थिति क्या होती है इसे देखते हैं। इस विधि के अंतर्गत जो है आकारों की चित्रभूमि में विभिन्न स्थानों पर संयोजित करके निकटता व दूरी का आभास कराया जाता है। आकार की स्थिति में ऐसा काम होता है। रेखीय क्षय वृद्धि क्या होता है? जो आकार जितना भी क्षैतिज रेखा के निकट होता जाता है वह इतना ही छोटा होता जाता है, अतः अंत में एक बिंदु पर जो है पहुँच जाता है, सृष्टि को जो है ओझल कर देता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। तो इस विधि के प्रयोग से भी रूपकारों के मध्य निकटता और दूरी का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। आगे अगर बात करते हैं वातावरण, ये 6 वृद्धि क्या होती है? इस वृद्धि के अंतर्गत समीपस्थ के आकार को अस्पष्ट देखा जा सकता है, बड़ा और प्रखर रंगों में दिखाया जाता है, और क्रमशः दूर होते जो आकार हैं उसे धूमिल और मध्यम हल्की रंगतों में दिखाया जा सकता है। तो चित्रभूमि पर गर्म रंगत को निकट और आकारों में दर्शाया जाता है, वह दूर के आकारों में मिश्रित और ठंडी रंगतों का प्रयोग करके दूरी का आभास पैदा किया जाता है। तो ये वातावरणीय 6 होते हैं। आगे बात करते हैं, इस प्रकार उपयुक्त विधियों के माध्यम से विभिन्न आकारों के अंतरंग में संयोजा जा सकता है और उनके आपसी संबंधों को भी दिखाया जा सकता है। अंतराल का महत्व क्या होता है? बड़ा अंतराल का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस क्या होता है? अंतराल समस्त कला तत्वों का आधार है। अंतराल के अभाव में संयोजन की कल्पना भी संभव नहीं यानी असंभव है। विचारों की मूर्त रूप देने के लिए किसी बाह्य धरातल की आवश्यकता होती है, यह धरातल ही अंतराल होता है। तो बाह्य धरातल की आवश्यकता होती है, विचारों को अगर मूर्त रूप आपको देना है तो बाह्य धरातल निश्चित रूप से आपको चाहिए, और उसी को मूल रूप से हम लोग अंतराल स्वतः ही विभाजित हो जाता है ऐसा मान लिया जाता है। तो क्या होती है? बाह्य धरातल की आवश्यकता होती है, अंतराल की जो है अंतराल है, और रचना में इस अंतराल में जो भी स्वयं द्विआयामी होते हैं त्रिआयामी होते हैं वस्तुओं के निरूपण सुविधा के अनुसार होते हैं, इसी क्रम में अंतराल स्वतः भी विभाजित होते जाता है। रचनाकार इस विभाजित अंतराल के अनुसार स्वरूपों को इस प्रकार संयोजित करते हैं, इसका समय जो है इच्छित प्रभाव को प्राप्त करना चाहता है, इससे अंतराल का माहौल और भी बढ़ जाता है। यदि गौर से देखें तो प्रत्येक कलाकार रूपकार के अंतराल में संयोजित होने से प्राप्त स्थिति और अन्य संयोजन की विविध प्रकार से बनने वाली विभिन्न शैलियों की उपजती है। अतः किसी भी काल में हम अंतराल के महत्व को कम नहीं कर सकते हैं। पूर्वी और पाश्चात्य देशों की कलाओं में विभिन्न रचनाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अंतराल ही रचना में वह तत्व है जो रचनाकार को सबसे अधिक विचारणीय स्थिति प्रदान करता है और उसे महत्वपूर्ण बनाता है। तो ये डाटा आपको इतना शब्दशः याद रखना होगा, अंतराल आपका समझ में आ जाएगा। क्या बेटा? अंतराल ही रचना का वह तत्व है जो रचनाकार को सबसे अधिक विचारणशील स्थिति प्रदान करता है और उसे जो है संपूर्ण बनाता है, उसे महत्वपूर्ण बनाता है। तो ये डाटा आपको याद रखना होगा। अंतराल से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो अंतराल में यही आपको याद रखना होगा। और फिलहाल आपको 6 तत्व अच्छे से पढ़ा दिया गया है। 6 तत्व आपने देखा बहुत मोटा डाटा हो गया था, रेखा रूप वर्णतान पोत अंतराल डाटा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चंस बना है, चित्रकला के कितने तत्व हैं, 6 तत्व हैं, कौन कौन से हैं, कोलाज कैसे बनाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों को काट काट करके जो चिपका दिया जाए उससे चित्र रचना की जाए वही कोलाज होता है,
और विवजोर को यहाँ से पूछा जाता है प्राथमिक रंग कौन से हैं, द्वितीयक रंग कौन से हैं, ये सब डाटा पूछा जाता है। तो इसको आपको यहाँ से स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए, अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिलहाल इस पर एक 60 नोडियो जो है आएगा, जिसमें जो है छोटे क्रम में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म में भी हमने सोचा कि चित्रकला के तत्व को पढ़ा दिया जाए, एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग क्या होते हैं इसे दिखा दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।